हिंदुस्तानी कार्यक्रम का कोई ऐसे क्रम चल रहा है, बहुत ही अनुशासित और मर्यादित तरीके से, बिना किसी आवाज के, बिना किसी शोर के आप अपना स्थान ग्रहण करेंगे। जल्दी करें। राम चंद्रमा सभी जोर से बोलेंगे, बोलो श्री रामचंद्र भगवान की। Thank you.
Thank you.
अभिप्राय है कि कथा का आरंभ करने से पहले गोस्वामी जी जब मंगलाचरण करते हैं तो सात का अंक उनकी दृष्टि में क्यों विशेष रूप से आया, आठ मंत्र क्यों नहीं लिखे, छह क्यों नहीं लिखे, सात ही क्यों? एक अभिप्राय ऐसा मिला कि मानस के कांड सात है और सातों कांड का एक एक मंत्र के द्वारा प्रतिनिधित्व करवाया गया, इसलिए मानो सात। या तो भगवान राम जी का जो अवतार है, हमारी दशा अवतार की जो धारणा है उनमें राम जी का अवतार सातवा अवतार है, इसलिए शायद गोस्वामी जी के दिल में सात का अंक ज्यादा बैठा होगा। अथवा तो राम कथा एक ऐसी कथा है कि सात दिन के सप्ताह में कोई भी दिन उनका प्रारंभ कर सकते हैं, उनके लिए ये दिन ये मुहूर्त ऐसा कोई विधि विधान नहीं, कोई भी तदैव लग्नम सुदिनम तदैव, कोई भी दिन इनका आरंभ कर सकते हैं सात दिनों में। अथवा तो भगवान राम की कथा गोस्वामी जी ने ऐसे लिखी है कि वो संगीतमय कथा है और संगीत के स्वर सात ही तो है, इसलिए शायद सात मंत्र लिख दिए हो, कोई भी कारण हो, लेकिन सात मंत्रों से कथा का आरंभ करते हैं। प्रथम मंत्र में जिसकी कल हमने प्रार्थना की थी, गणेश जी और सरस्वती जी की वंदना की, वर्ण शब्द से कथा का आरंभ करते हैं और उत्तरकांड में आप पाओगे मानव शब्द में समापन कर देते हैं। वर्णा नाम अर्थ संघानाम रसानाम छंद सामपी, यहां से आरंभ, वर्ण शब्द से आरंभ और उत्तरकांड में अंतिम शब्द जो लिखे हैं, ते संसार पतंग घोर किरणे धयंतिनो मानवाहा, अंतिम मानव शब्द लिखा है। ये भी बड़ा विचार प्रदान करता है। गोस्वामी जी समन्वय के संत है। गोस्वामी जी को लगा होगा कि कल राम कथा पर ब्राह्मण लोग कहेंगे कि हमारा ही अधिकार है, क्षत्रिय कहेंगे कि राम हमारे कुल में जन्म लेकर आए थे तो हमारा अधिकार था, वैश्य लोग कहेंगे कि कथा के आयोजन हम करते हैं, इतनी धनराशि हम खर्च करते हैं तो हमारा अधिकार है, शूद्र लोग शायद ये दावा करें कि राम हमारे बीच में 14 साल रहे थे तो हमारा अधिकार। वर्णाश्रम की तकरार राम कथा को ग्रस न ले, इसलिए गोस्वामी जी ने कहा रामचरितमानस का कोई वर्ण हो तो केवल मानव है, जो अपने आप को मानव कहलाता है। अरे पक्षी को भी अधिकार दे दिया गोस्वामी जी ने,
कागभुसुंडी जी कथा कहते हैं, देवताओं को भी अधिकार, ऋषियों को अधिकार, मानव को अधिकार, पक्षी को अधिकार, सबका है ये राम कथा। क्योंकि राम कथा के नायक जो भगवान राम है वो सबके, ये प्रिय सब ही जहां लगी प्राणी वो सबके प्रिय है, उनकी कथा भी सबकी कथा है। तो गोस्वामी जी वर्णाश्रम की तकरार निर्माण न हो जाए इसलिए वर्ण और मानव शब्द के बीच पूरा शास्त्र रख देते हैं। क्योंकि बाबा जी का स्वयं का जीवन ही समन्वय का जीवन है। आप शांति से गोस्वामी जी का दर्शन करें, उसका जन्म हुआ जमुना के तट पर राजापुर, जहां जमुना बहती है, यमुना के तट पर उनका जन्म हुआ। उसने कथा गाई सरजू के तट पर जिसका जन्म हुआ उसकी, जमुना के तट पर जो पैदा हुए उसने कथा गाई, सरजू के तट पर जिसका प्रागट्य हुआ उसकी, और कथा समर्पित की गंगा के तट पर भगवान विश्वनाथ शिव जी को। तो उसका जीवन ही पहले से समन्वय का एक दिव्य उदाहरण रहा। तो वर्ण और मानव शब्द के बीच में रामचरितमानस रख करके सबसे पहले वाणी और विनायक की वंदना करते हैं। मैं आपसे ये कहूंगा प्रथम कि गोस्वामी जी पर कुछ जो आरोप लगाए गए हैं, कुछ लोगों को गोस्वामी जी से तकलीफ है और गोस्वामी जी की इतनी सिद्ध दशा नहीं देख पाए कुछ लोग, आज भी कुछ लोग ऐसे हैं जो रामचरितमानस की कुछ चौपाइयों को लेकर गोस्वामी जी की आलोचना किया करते हैं। उसमें सबसे बड़ी और प्रचलित आलोचना आप सब जानते हैं कि लोग कहते हैं कि गोस्वामी जी नारी निंदक थे। गोस्वामी जी ने बार बार नारी की आलोचना रामचरितमानस, ऐसी एक बहुत पुरानी ये बात सब लोग पूछते रहते हैं। ढोल गवार शूद्र पशु नारी ये चौपाई लेकर, या तो अवगुण आठ सदा उर बसही, नारी के हृदय में आठ अवगुण नित्य निवास करते, ऐसे कुछ बातों को लेकर गोस्वामी जी पर बड़ा हमला किया जा रहा है। हम आपसे निवेदन करने जा रहे हैं कि गोस्वामी जी ने प्रथम मंत्र में ही नारी के प्रति उसका कितना आदर है वो स्पष्ट कर दिया है। वो नारी निंदक नहीं है। संत कभी किसी का निंदक हो ही नहीं सकता। संत कैसे किसी की निंदा करेगा, तो संतत्व कैसा। अनगणित प्रमाण आपको मानस जी में मिलेंगे जहां गोस्वामी जी ने नारी को जितना आदर दिया शायद किसी ने दिया हो। तो गोस्वामी जी नारी निंदक नहीं थे। बीच बीच में प्रसंग प्रसंग पर हम प्रमाण से आपको कहने की चेष्टा करेंगे, लेकिन आरंभ देखिए, परंपरा हमारे यहाँ ऐसी रही कि कोई भी शास्त्र का आरंभ होता है तो ज्यादातर लोग गणेश जी की प्रथम वंदना करते हैं, लेकिन गोस्वामी जी ने क्रम पलट दिया और नारी समाज के प्रति, स्त्री शक्ति के प्रति, देवी जगत के प्रति गोस्वामी जी का कितना पूज्य भाव रहा वो उसने प्रथम मंत्र में परंपरा को मोड़ते हुए बता दिया कि वंदे वाणी विनायको। पहले विनायक की वंदना नहीं की है, पहले वाणी की वंदना की है, पहले सरस्वती को प्रणाम किया है। कौन कह सकता है कि हमारे गोस्वामी जी नारी निंदक थे। बिना शास्त्र देखे, बिना सदगुरुओं से समझे आप गलिताक्षेप कर ले तो वो आपका हल्कापन है, आपका निम्नपन है। बाकी संत ने प्रथम वाणी विनायक करके, उसको शायद सिद्ध संत थे, पहले ही उसने कह दिया, चर्चा का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और भारत की पूरी परंपरा नारी पूजक रही है। ये पूरा जगत तीन बात पर चलता है, वो तो आप कबूल करेंगे ना, एक तो शक्ति पर चलता है, दूसरी संपत्ति पर चलता है, तीसरा बुद्धि पर चलता है। तीन ही तो क्षेत्र है, उनके प्रशाखाएं निकाल कर आप कई पेटा विभाग कर सकते हैं, लेकिन ये पूरा संसार तीन शक्तियों पर चल रहा, शक्ति बुद्धि और संपत्ति। और हमारे ऋषियों ने, हमारे संतों ने ये तीनों की अध्यक्षा
नारी को प्रदान की है। शक्ति की अध्यक्षा है मां दुर्गा नारी, बुद्धि की अधिष्ठात्री है मां सरस्वती और संपत्ति की अधिष्ठात्री है भगवती लक्ष्मी। कहीं भी पुरुष नहीं है। संसार को समग्र जगत को चलाने वाली तीन शक्तियां जो हैं वो सभी स्त्री शरीर में है, देवी स्वरूपा है। तो ऋषि परंपरा, हमारी संत परंपरा, हमारी भारतीय परंपरा कभी नारी निंदक थी नहीं, है नहीं, हो सकती नहीं, क्योंकि हमने पहले से कबूल किया है कि बिना शक्ति हम शक्तिमान की कल्पना नहीं कर सकते। शक्ति ही शक्तिमान का गौरव है। तो गोस्वामी जी कैसे नारी निंदा करें? गोस्वामी जी तो किष्किंधा कांड में कहते हैं, डांटा है राम जी ने बाली को कि मैं तुम्हें मारता नहीं, भले ही तुमने कितना ही पाप किया लेकिन मैं तुम्हें नहीं मारता, लेकिन मैं मारने गया तुम्हें इसलिए कि तुमने एक सबसे बड़ी भूल ये की। गोस्वामी जी के शब्दों में से, मूढ़ तुगी अतिशय अभिमाना, राम जी कहते हैं अतिशय पर नहीं धरी इसलिए तुम्हें मैं मार रहा हूं। तुमने एक स्त्री शक्ति का अनादर किया। और गोस्वामी जी का खुद का अनुभव है कि मेरे सामने देखिए, मैंने नारी शक्ति का शब्द कबूल कर लिया तो मैं एक विषयी जीव से संत बन गया। खुद के जीवन का अनुभव। रत्नावली ने ही तो कहा था कि हार्ड मांस के देह में इतनी प्रीत है, राघव के चरण में हो जाती तो संसार की भीति मिट जाती। और यही शब्दों ने तो क्रांति की थी। दशरथ जी भी अयोध्या कांड में कबूल करते हैं कि मेरे सभी मनोरथ यदि चूर हो गए उसका एक कारण है, कई कई मैंने तुम्हें बिना पूछे निर्णय कर लिया। वहां भी नारी शक्ति को आदर दिया। मैंने पहले राज तिलक की घोषणा करने से पहले तुम्हें पूछा होता तो ये घटना नहीं घटती, ऐसा कहा। कौन कहता है, कौन कह सकता है गोस्वामी जी को बिना समझे किसी सदगुरु के चरणों में बैठे बिना? राम कथा केवल बुद्धि का ग्रंथ नहीं है मेरे भाई बहन, राम कथा तो श्रद्धा और शुद्धि का ग्रंथ है। बुद्धि से राम कथा पर आप महानिबंध लिख सकते हैं, उनमें संशोधन कर सकते हैं, लेकिन आंतरिक उड़ान तो कोई संत जब रहस्य दिखाए तभी ही कर सकते हैं। पूरी वंदना में आप देखते जाइए स्त्री शक्ति को प्रथम ही प्रणाम किया। भवानी शंकर वंदे, यहां भी भवानी को पहले लगाए। श्रद्धा विश्वास रूप पहले भवानी की वंदना आई, यहां पहले वाणी की वंदना, बाद में गणेश जी की वंदना, उसके बाद पहले भवानी की वंदना, बाद में शिव जी की वंदना की श्रद्धा और विश्वास के प्रतीक के रूप में। बाद में भगवान शंकर को त्रिभुवन गुरु कहकर उनकी वंदना की।
और सीताराम जी की वंदना करने से पहले वाल्मीकि जी की, हनुमान जी की वंदना की, और सीताराम जी की वंदना जब करने गए तो भी उद्भव स्थिति संहार कारिणी कहकर पहले शक्ति तत्व की आराधना की है, बाद में श्री राम जी की वंदना की। आगे जब चौपाइयों में वंदना आती है तो भी पहली वंदना मां जानकी जी की प्रथम कर रहे। जनक सुता जग मंगलाचरण में भी आपको पूरे प्रमाण मिल जाते हैं कि गोस्वामी जी आरंभ से ही वंदना करते हैं देवी शक्ति को, तो नारी विरोधी कहना भी अपराध है। वो कैसे नारी, वो उत्तरकांड में कहते हैं निज प्रभु मैं देखही जगत के ही सन करही विरोध। और कहीं रोग हो तो रोग का निर्देश करना हो तो सदगुरु वैद्य का धर्म है, इसमें क्या पाप है, इसमें क्या गलती। रोग वैद्य यदि रोगी को देखकर कहे ही नहीं, रोग का निर्देश न करे तुम्हें ये हुआ है ये कहना क्या दोष निकालना है। दोष निकालने वाला वैद्य ही समर्थ माना जाता है, खुशामत करने वाले वैद्य की आलोचना रामचरितमानस में। वैद्य कैसे खुशामत कर सकता है। और रावण ने कहा कि नारी के हृदय में 8 अवगुण नित्य निवास करते हैं, तो गोस्वामी जी कहते हैं रावण जैसा आदमी ऐसा बोल सकता है, हमारे भारत का सभ्य आदमी कभी ऐसा नहीं कहता, ये तो रावण जैसा आदमी कह सकता है। तो रावण से फरियाद करो, मुकदमा चलाना हो तो रावण के सामने जाओ, गोस्वामी जी को क्यों पकड़ गए। उसने रामचरित मानस में कौन पात्र क्या बोलता है उस पर दृष्टि करनी चाहिए। कई लोग हमारे पास आते हैं, ये तो सबके पास जाते हैं ना, ये ढोल गंवार शूद्र पशु नारी वाली जो बात है गोस्वामी जी ने ताड़न के अधिकारी क्यों बताया, लेकिन ये बोला कौन, वो तो रामचरित मानस में देखिए जरा। रावण बार बार राम जी को तपस्वी कहता है, तू कह देता है, कभी शठखल शब्द का प्रयोग कर देता है, तो क्या वो गोस्वामी जी ने प्रयोग किया है, वो रावण बोल रहा है। रावण जैसा आदमी ही ऐसा निवेदन कर सकता है, हमारे देश का सुसंस्कृत व्यक्ति कभी ऐसा निवेदन नहीं कर सकता। मूल बात तो यही है। तो गोस्वामी जी ने आरंभ से ही नारी वंदना को प्रधान देकर, क्योंकि उनके जीवन में पता है कि तुलसी नहीं होती तो तुलसी नहीं होता, और उसके बाद रत्ना नहीं होती तो ये संत विश्व को मिलता, इसलिए रत्ना नारी को उसने बहुत सा भाव दिया है और हमें भी। इसलिए एक कवियत्री सन्यासी ने, कवियत्री ने बहुत सुंदर लिखा, उनकी दो पंक्तियां सुनिए और गाइए। रामायण के अमर प्रणेता, श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को, 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 नमन करो तुम भूलन जाओ, नमन करो तुम भूलन जाओ, नमन करो तुम भूलन जाओ, नमन करो तुम भूलन जाओ। वो नारी कितनी महान थी, 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 जिसने प्रणली संत बनाया, जिसने प्रणली संत बनाया,
प्रणयी संत बनाया, जिसने प्रणयी संत बनाया, यौवन की बगिया में अपने, 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 हाथों ही पतझार बुलाया, हाथों ही पतझार बुलाया, हाथों ही पतझार रामायण के अमर प्रणेता, रामायण के अमर प्रणेता, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, कोमल श्रद्धा सुमन चढ़ाओ, पर रत्ना के अमर त्याग को, पर रत्ना के अमर त्याग को, नमन करो तुम भूल न जाओ, नमन करो तुम भूल न जाओ, नमन करो तुम नमन करो तुम भूल जाओ, नमन करो तुम भूल जाओ, नमन करो तुम भूल जाओ। हमारी पूरी परंपरा नारी निंदक नहीं है, कहीं कहीं रोग का निर्देश है, वो तो समाज को विरुच करने के वैध क्रिया है, वैध धर्म था। तो प्रारंभ में वाणी भवानी सीता इन सब शक्तियों की प्रथम वंदना करके गोस्वामी जी हम सबको एक प्रेरणा देते हैं। वंदना ये मंगलाचरण करते हुए गोस्वामी जी ने महत्व की बात बता दी अंत में कि मेरे पूर्व कई महापुरुषों ने रामायण पर राम पर लिखा है, कई रामायण सत करोड़ रामायण बाकी, मैं एक और नई रामायण क्या देने जा रहा हूँ समाज को, लेकिन मैं जो कुछ कहने जा रहा हूं उसमें शास्त्र पुराण वेद वेदांत इन सबकी सम्मति है, मुझे किसी से विरोध नहीं है, सबकी सम्मति वाला ये ग्रंथ मैं लिखने जा रहा हूं, लेकिन कुछ ऐसा भी है इस शास्त्र में जो शायद वेद में आपको स्पष्ट रूप में न भी मिले और यहां मिल जाए क्वचिदन्य तो भी। और ये सब मैंने इसलिए किया है कि स्वांतः सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मेरे अंतःकरण को सुख दे। शास्त्र वेद पुराण सम्मत ये शास्त्र रामचरितमानस है, उसमें कुछ जो और ग्रंथों में आपको न मिले स्पष्ट रूप में, ऐसे संत के अनुभव भी यहां लिखे, संत अनुभव है, संत मत इसमें बार बार मिला, ये है बड़ी क्रांति को स्वामी। वेद मत सर्वमान्य होना चाहिए, लेकिन पूर्व ग्रह से भी विधर्मी लोग कहेंगे कि हम वेद को नहीं मानते, लेकिन संत मत को कौन ठुकरा सकता है, संत मत सर्वकालिक हुआ करता है, इसलिए रामचरितमानस में संत मत बहुत है, यही तो इस ग्रंथ की परम विशिष्टता है। गोस्वामी जी खुद कहते हैं, इहान पक्ष इहान पक्ष पात कछु राखो, इहान पक्ष पात कछु राखो, मुझे स्वांत सुख प्राप्त हो। और जिस हेतु से हम कार्य का आरंभ करें और कार्य तभी सही पूरा हुआ माना जाता है कि परिणाम में वो हेतु सिद्ध हो जाए,
गोस्वामी जी ने कथा का आरंभ किया है स्वांत सुख के लिए और उत्तरकांड में कहते हैं कि वो स्वांत सुख मुझे मिल गया, मुझे प्राप्त हो गया। एक तो अपने प्राकृत भाषा में भी कह देते हैं पायो परम विश्राम, और ऐसे भी कहते हैं मत्वात रघुनाथ नाम निरतम स्वांत शांत भाषा बद्धविरम चकार तुलसी कहते, इसलिए सराहना नहीं करते। हमारी सराहना करने से तुलसी और रामायण महान नहीं बन सकते, वो स्वयं अपने आप में महान है। और किसी की आलोचना करने से वो टूटने वाला नहीं, क्योंकि वो इतना समर्थ है। लेकिन इतना अद्भुत वैश्विक दर्शन गोस्वामी जी ने दिया है, अद्भुत निशंक कहना पड़ेगा। तो ऐसी दिव्य कथा जो स्वांत सुख कही गई, कही थी तो स्वंत अपने सुख के लिए, लेकिन हो गई वैश्विक सुख का साधन राम कथा। हम अपने घर में ट्यूबलाइट लगवा दें कि हमको ज्यादा प्रकाश मिले, लेकिन खिड़की खुली कर दो तो इस प्रकाश बाहर जाएगा और वहां कोई किताब पढ़ करके पास हो सकता है। आप इस प्रकाश को रोक नहीं सकते। संसारी की एक खिड़की खुली होती है और प्रकाश बाहर चला जाता है तो संतों के तो हर दरवाजे खुले रहते हैं। उसका स्वांत सुख अंत में वैश्विक सुख बन जाता है और ये प्रमाण है सबको सुख प्राप्त होता है। तो गोस्वामी जी ने स्वांत सुख की, गोस्वामी जी ने तीन हेतु बताए कल भी जिसकी हमने स्पर्श किया था। एक तो स्वांत सुख के लिए कथा कहने जा रहे हैं, दूसरा निज गिरा पावन करण कारण मेरी वाणी को पवित्र करने के लिए, और तीसरी बात है मोरे मन प्रबोध जही होई, मेरे मन को बोध प्राप्त हो। ऐसा कहकर गोस्वामी जी प्राकृत भाषा में एक ग्रंथ लिखने के लिए तैयार। गोस्वामी जी को संस्कृत अद्भुत आता था। कुछ समय काशी में वो संस्कृत कुछ संस्था उनके अध्यक्ष पद पर भी रहे ऐसा उसके जीवन में पाया जाता है। तो संस्कृत के प्रकांड और मूर्धन्य विद्वान होते हुए भी गोस्वामी जी ने इस कथा को सरल हिंदी में, क्षेत्रीय भाषा में, ग्राम्य गीरा में, क्योंकि गोस्वामी जी चाहते थे कि राम कथा लोकप्रिय और लोक प्राप्य दोनों होनी चाहिए। संस्कृत में लिखने से लोकप्रिय तो हो जाती, लोक प्राप्य नहीं बन सकती, इसलिए गोस्वामी जी ने प्राकृत भाषा, समाज के प्राकृतों को संस्कृत बनाने के लिए गोस्वामी जी ने प्राकृत भाषा का आश्रय लिया। इतना उसका समर्पण है, वरना वो जानते होंगे कि लोग विरोध करेंगे संस्कृत में। उस काल में विरोध भी बहुत हुआ, लोग कहते थे कि हम संस्कृत के बिना नहीं स्वीकार करते। पंडितों ने काशी में बड़ा विरोध किया था, लेकिन जहां शिव जी साक्षात हाजिर हो, हनुमंत बाबा हाजिर हो, उसके सामने कितना विरोध टिक सकता है। और आज
मधुसूदन सरस्वती जैसे संस्कृत के प्रकांड मूर्धन्य महापुरुष ने भी अभिप्राय देना पड़ा रामचरितमानस पर। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि गोस्वामी जी ने सोचा होगा कि भगवान राम जी को लगा कि राम राज्य करने के लिए राजगादी पर बैठने से राम राज्य नहीं हो पाएगा, इन लोगों के बीच में मुझे जाना पड़ेगा जो अपने जीवन को हार चुके हैं, नैराश्य में डूबे हैं, न जिसके पास घर है, न कपड़े हैं, न खाने की कुछ वो अच्छी चीज है, इसलिए लूटते हैं। शिकार जिसका स्वधर्म बन गया है, लूट जिसका स्वभाव हो चुका है, मुझे इनके पास जाना चाहिए और प्रीति से इनके जीवन को परिवर्तित करना चाहिए, इनकी भाषा बोलना चाहिए, उनके देश में। कई कई माने ऐसा क्यों कहा कि राम तुम तापस बनकर जाओ, 14 साल का वनवास देना था राम को, तो कह सकती थी चले जाओ वन में वही देश में, लेकिन खास कहा तापस वेश, तपस्वी का वेश पहन कर जाओ, क्योंकि तुम जहां जा रहे हो वहां के लोग ज्यादा ऐसे कपड़े पहनते हैं, उनके वेश में जाओ तो लोग तुम्हारे पास आ सके, राज पोशाक में जाओगे तो लोग दूर रहेंगे कि इनसे बात कैसे करें, लोकप्रिय तो हो जाओगे लोक प्राप्त नहीं बन पाओगे। तो मां कही कही की चाह थी कि मेरा राघव लोकप्रिय भी हो लोक प्राप्त भी हो, और तुलसी के राम है लोक प्राप्त। चरण कमल बंदाऊ सब लाए, ऐसा कहकर गोस्वामी जी इशारा कर देते। तो गोस्वामी जी सरल हिंदी भाषा में शास्त्र लिखते, तो 5 सौरठे प्रथम लिखे आप सब जानते हैं। पहले गणेश जी की पुनः वंदना की है, जय सोमिरत सिद्धि होई गण नायक करे बरबदन, करो अनुग्रह सोई बुद्धि रास शुभ गुण सदन। हे गणेश जी, आपका सुमिरन करने से सिद्धि प्राप्त होती है, आप हम पर अनुग्रह करो। ये जब गोस्वामी जी ने लिख दिया तब कई ने विरोध किया कि गोस्वामी जी इतने परम वैरागी थे तो शास्त्र का आरंभ करने में गणेश जी की वंदना करते ही उसको सिद्धि क्यों याद आ गई कि गणेश जी आपका सुमिरन करने से सिद्धि प्राप्त हो, क्योंकि परम वैराग्य में सिद्धि का सुमिरन भी बाधक है, वैराग की कमी है। तो गोस्वामी जी को सिद्धि को क्यों याद आई, लेकिन रामचरितमानस के अयोध्या कांड में वो स्वयं अर्थ देते हैं कि मेरी सिद्धि का अर्थ ये है, भौतिक सिद्धियां नहीं, मेरी सिद्धि का अभिप्राय ये है। उनसे सुनिए महाराज जनक के मुंह में शब्द दिलाते हैं गोस्वामी जी अयोध्या का, साधन सिद्धि राम का थोड़ा परिवर्तन के साथ भाषांतर किया है, जिसकी कृपा से गूंगा बोलने लगता है और पंगु पर्वत को पार कर सकता है। गोस्वामी जी ने कहा जिसकी कृपा से गूंगा बोल सकता है, मुख हो ही बाचाल, और ये परिवर्तन कर दिया
कि पंगु पर्वत को पार कर दे ऐसी नहीं, पंगु चढ़े गिरिवर का, पहाड़ पर पंगु चढ़ जाए। पहाड़ की कई व्याख्याएं रामचरितमानस में आती है। एक व्याख्या ये है, गृह कारज नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला। ये पहाड़ जो है हमारी छोटी बड़ी जंजाले हैं। गोस्वामी जी कहते हैं भगवत कृपा हो जाए तो हम जंजालों को फेंक कर भागे ना, उन पर पैर रखकर मुसीबतों को दबाकर हम उन पर स्वामित्व साबित करें। हम उनसे भागे नहीं, उन पर पैर रख दे, जैसे हनुमान जी पहाड़ पर पैर रख देते, उनको दबा इनसे भागे। और दूसरी व्याख्या मिलती है, पावन पर्वत वेद पुराना, पहाड़ की उपमा देते हुए गोस्वामी जी ने कहा वेद पुराण पहाड़ है। तुलसीदास जी कहते हैं वहां तो आपकी कृपा हो तभी हम चढ़ सकते हैं, तभी हम उन पर काबू कर सकते हैं, तो आप हम पर कृपा करें। तीसरे सोरते में नील सरोवर श्याम तरुण अरुण बारिक नयन करहुं सो मम गुरुधाम सदा क्षीर सागर शयन। जैसे क्षीर सागर में आप शयन करते हैं वैसे हमारे हृदय में आप नित्य निवास करें। चौथे सोरठे में बहुत क्रांतिकारी बात कही है जिसकी हमने हर वक्त वो की है, आप गौर से सुने। कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेह करहुं कृपा मर्दन मयन। शिव जी की वंदना की कि हे भगवान आप उमा रमन है, करुणा के अयन है, और सबसे बड़ी बात गोस्वामी जी को ये अच्छी लगी कि आपको दीनहीन के प्रति प्रेम है। हे मर्दनमयन हम पर आप कृपा करें। तुलसी के शिव तुलसी के राम दीन पर दया नहीं करते, दीन पर प्रेम करते हैं। दया करना भारतीय संस्कृति का धर्म का एक चरण है। दया भगवान आदि जगत गुरु शंकराचार्य महाराज ने भी कहा कि भूत दया सब में होनी चाहिए, उसका विस्तार होना चाहिए, भूत दया विस्तार तारय वगैरह। लेकिन गोस्वामी जी को लगा कि दया करना अच्छी बात है, दया करनी चाहिए, लेकिन राम राज्य तो तभी आएगा जब दया के स्थान पर प्रेम किया जाए। दया में तो हम दया करके छूट जाते हैं, आपकी गाड़ी कहीं रुकी और भिखारी ने हाथ फैलाया, आपको दया आ गई, आपने रुपया दे दिया, वो अपने रास्ते पर, आप अपने रास्ते। फिर कभी आपको भिखारी की टपाल आई है, या तो आपने कभी भिखारी को याद किया है? एक क्षण की घटना होती है, दोनों भूल जाते हैं और प्रेम में तो शाश्वत संबंध बन जाता है। तो गोस्वामी जी चाहते हैं सब नर कर ही परस्पर प्रीति, जो राम राज्य वाली बात उत्तरकांड में गोस्वामी जी ने बताया, प्रेम करो मेरे भाई बहन। दया तो है करनी ही चाहिए, लेकिन उससे ऊपर उठो और दीन ही, भगवान करे संसार में कोई दीनहीन रहे ही ना, लेकिन जब तक है तब तक गोस्वामी जी के शास्त्र का हम गुणानुवाद करते हैं, श्रवण करते हैं, तो हमको भी चाहिए हम दीनों से प्रेम करें। जब समाज दीनों से प्रेम करना सीख जाएगा तब बात, क्योंकि प्रेम समान के साथ हो पाता है। दया तो जिस पर होती है वो दीनता का अनुभव करता है, और जिसने दया की वो कभी कभी अपने आप को महान समझ लेता है। खतरा है, तुलसी के राम तुलसी के शिव दीन पर प्रेम करते। तो हम भी आपसे प्रार्थना कर रहे हैं वो स्वामी जी का वैश्विक दर्शन को आप ठीक से पकड़े कि प्रेम करे बस। दीनों रुग्ण लोग निराश लोग कोई भी हो जो समाज में गिरे हैं उनसे प्रेम करो। देव स्तुति में देवताओं ने भगवान की स्तुति करते हुए रामचरितमानस में भगवान के स्वभाव का वर्णन किया कि आप कैसे हैं प्रभु। गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं ने कहा जे ही दीन प्यारे देत पुकारे प्रभु सो श्री भगवान। आपको दीन प्यारे हैं, दीन को प्रेम करता श्री भगवान प्यारे वेद पुकारे श्री भगवान।
प्रभु तुम्हारा स्वभाव है दीन पर प्रेम करना, धनवान दया करता है, श्रीमंत दया करता है, संत कभी दया नहीं करता, संत प्रेम करता है। क्योंकि संत दया नहीं करता इसका मतलब उसके दिल में दया नहीं है, ऐसा मत समझे, क्योंकि उसका दिल तो दुनिया में किसी का भी न हो इतना सुकोमल माना गया, संत हृदय नवनीत समा। लेकिन वो दया नहीं करता इसीलिए कि वो जानते हैं कि परमात्मा का बेटा है, उन पर दया करने वाले हम कौन, ये सब परमात्मा की संतान, हम कौन दया कर, परमात्मा का बेटा है इसलिए चलो हम उनसे प्रेम करें, हम उनसे मोहब्बत करें। क्या जितनी सीख हम रामचरितमानस आज शतकों से सुन रहे हैं, इतने साले हो गए ये हमारे हृदय में नहीं बिठा, दिनों से प्यार करो मेरे भाई बहन, युवान भाई बहनों से तो मैं खास प्रार्थना करता रहता हूं, दीनहीन को जहां देखो, तुम पढ़े हो शिक्षित होने जा रहे हो, तो तुम्हारी शिक्षा को ऐसी दीक्षा में पलट दो कि तुम दीनहीनों से प्रेम करो, राष्ट्र की मांग है। बिना ये घटना रामराज्य नहीं हो पाएगा, कितने ही समानता तुम देश में ला दो, अच्छी बात है समानता लाना कि सब समान हो जाए, लेकिन जब तक सब नर कर ही परस्पर प्रीति नहीं होगी। कई साम्यवादी देशों में समानता की बातें होती रही, कुछ प्रतिशतों में साम्यवादी देशों में, कि वहां सब समान, राम राज्य में तो सब समान थे, राम प्रताप विषमता खोई, जहां कोई विषमता नहीं थी। आज साम्यवादी देशों में ऐसा दिखाई देता है कुछ प्रतिशतों में, लेकिन टूट रहा है सूत्र, सब नर कर ही परस्पर प्रीति, प्रीति टूट रही। राम क्या करते, प्रीति ही करते, उनका स्वभाव संत ने कहा, संत जितना परमात्मा का स्वभाव जानता है इतना कोई नहीं जानता, इसलिए संत का वाक्य है रामचरितमानस में। और वो कैसे संत, हनुमान जी महाराज की बात, वो कहते सुनहुं विभीषण प्रभु के करते हैं, भगवंत भी प्रीति करते हैं, उनका स्वभाव कितने प्रमाण दे, विनय पत्रिका में जाएगी, काको नाम पतित पावन जग का, गोस्वामी जी के शिव और गोस्वामी जी के राम दीनों को प्रेम करते हैं, तो दया तो जरूर होनी चाहिए, लेकिन दया
संसार में सब सुखी हो जाएंगे तो दया बंद हो जाएगी। प्रेम कभी बंद नहीं हो सकता, प्रेम अविरत चलता रहता है, दिन ब दिन बढ़ता रहता है। इसलिए जाहि दीन पर ने कर कृपा मर्दन मयन, ऐसा कहकर गोस्वामी जी ने भगवान शिव जी की वंदना की और पांचवें सोरठे में वो गुरु वंदना कर रहे हैं। अभी अगले चार सोरठे में कहीं कहा अनुग्रह कीजिए, कहीं कहा कि कृपा कीजिए, लेकिन वंदना स्पष्ट रूप में पांचवें सोरठे में आई जहां गुरु वंदना की बात। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि, महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। गुरुदेव के चरणों में वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि गुरु साधक के लिए भले ही मनुष्य के रूप में हो लेकिन साक्षात हरि रूप हैं, जिनके वचन सूरज की किरण की तरह हैं और जिनके चरण कमल की तरह हैं। ऐसे सदगुरु के चरण में प्रणाम किया, यानी सूरज की किरण से ही कमल विकसित होता है। जो बोलता है ऐसा ही आचरण करता है, जिनका आचरण अपनी बोली के बराबर चलता है, ऐसे सदगुरु के चरणों में बार बार गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। गुरु अपने आप को कभी भगवान नहीं कहता, गुरु अपने आप को कभी इतना महान नहीं कहता, लेकिन शिष्य के लिए वो अवश्य परमात्मा है। नर रूप में नारायण ही है, शिष्य के हृदय में भाव होना ही चाहिए। गुरु अपने आप को ही न समझे, स्वाभाविक सच्चा गुरु कभी समझता ही नहीं है। तो गुरु वंदना से शास्त्र का आरंभ होता है और हम सब भी गुरु वंदना करके राम कथा की प्रथम चौपाई का गान करने चले और साथ साथ ये भी कह दें कि गुरु के बिना आगे बढ़ना मुश्किल है। कुछ लोग कहते हैं कि गुरु की जरूरत नहीं, कुछ लोग तो टीका करते हैं कि गुरु दलाल है, एजेंट है, ऐसा वो भी आजकल कंठी बांधने लगे हैं, ऐसी आलोचना करने वाले भी गुरु बनने लगे। लेकिन गुरु वाया है, दलाल है, उनकी क्या जरूरत है, ऐसे कुछ लोग कहते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा कहती है गुरु बिनु भव निधि तरई न कोई, बिना गुरु भव सागर को कह। हाँ, कोई अगासी पर चढ़ गया अटाली पर, उसको अब निशेनी की जरूरत नहीं, ठीक बात है, क्योंकि चढ़ गया अब उसको सीढ़ी की जरूरत नहीं। लेकिन ये कैसे भूले कि जब चढ़ा होगा तब तो सीढ़ी की जरूरत उसको भी रही होगी। तो जो चढ़ गए वो शायद ये कहे कि गुरु की जरूरत नहीं, लेकिन हम जब तक चढ़े ना तब तक तो सीढ़ी चाहिए ही। तो गुरु के बिना कैसे जीवन को पार करेंगे, इसलिए कोई सदगुरु कोई संत का आश्रय बना लेना। तो गुरु वंदना से कथा का आरंभ होता है। आइए हम सब मानस की प्रथम चौपाई का गान करें, इससे पूर्व अपने अपने गुरु महाराज को बड़ी श्रद्धा के साथ प्रणाम कर लें। गुरु बनाने में और सफल करने में ब्रह्मा है। हमारी आध्यात्मिक सृष्टि परिपालित रहे, बनी रहे, इसलिए गुरु ही हमारे जीवन का विष्णु है और हमारे मनों से मनोमल और कली के मैल को लय करने वाले स्वरूप में गुरु ही हमारे जीवन में शिव रूप हैं, साक्षात ब्रह्म रूप हैं। ऐसा कहकर गुरु को हम भारतीयों ने प्रणाम किया। विश्व में कहीं ऐसी गुरु वंदना आपको नहीं मिलेगी। पूरा विश्व सूखा दिखाई देता है, इतनी हरि गुरु वंदना, इतनी सजल गुरु वंदना, इतनी
समर्थ और भारी गुरु वंदना केवल हिमालय के देश में ही दी है, इसलिए गुरुजनों को प्रणाम करो। बिना गुरु कैसे भव सागर को तरेंगे, बिना गुरु कृपा कैसे गति होगी मेरे भाई बहन। रामकृष्ण परमहंस के एक विवेकानंद ही शिष्य नहीं थे, कई बहुत निकट के शिष्य थे ठाकुर के, आपने पढ़ा होगा। लेकिन जब वो चले जाने के लिए तैयार हुए, बड़ी बीमारी लगी थी आप सब जानते, तो महानिर्वाण के महासमाधि के पहले अब शरीर छोड़ देना था परमहंस को, इनसे पूर्व 3 दिन पहले विवेकानंद जी को उसने बुलाया। वो कोना भी है, आज आप गए होंगे वहां, इस कोने में उसको खड़ा करके कहा कि आज मैं मेरी सभी आंतरिक समृद्धि सभी साधना तुम्हें देकर एक सच्चा सन्यासी बनकर जा रहा हूं, साधना भी दे दी। तो सवाल उठा था कि इतने शिष्य थे परमहंस के, लेकिन एक विवेकानंद को ही क्यों चुना। तो पता मिलता है कि जब बीमारी और बढ़ गई थी अंतिम दिनों में, और जब बाबा जी मुंह से जब वो निकलता था सब रक्त तो ये सब, तो विवेकानंद जी हाथ में ले लेते और ये गुरु प्रसाद है ऐसा मानते, इतनी बदबू आती थी, इतना रोग फैल चुका था, और परमहंस की सेवा ऐसे। और ऐसे तो कई शिष्य हैं जो गुरु की ब्रह्म निष्ठा से सेवा करते हैं, तो बिना गुरु भवसागर कैसे तरेंगे। ये तो आजकल के हल्के सूत्र हैं कि गुरु की जरूरत नहीं है, बिना गुरु चलो कैसे चलोगे। तो गुरु वंदना से शास्त्र का आरंभ होता है, रामचरितमानस की प्रथम चौपाई। आइए हम सब गाएं, पहले हम गाएं उसके बाद आप भी गाएं, हम आपके सामने आधी आधी चौपाई रखने जा रहे हैं, इसलिए आप सब गाएं। गोस्वामी जी का आदेश है गाना, हम ये परंपरा का निर्वाह करने जा रहे हैं, ये हमारा कोई संशोधन नहीं। गोस्वामी जी ने क्या कहा है रामचरितमानस में, खुद ने कहा, रघुवंश भूषण चरित यह नर कह ही सुनही जे गावही। गोस्वामी जी आदेश देते, वो खुद कहते हैं प्रथम मुनि न हरि कीर्ति गाई, मुनियों ने हरि कीर्ति गाई, तो उसी परंपरा में ये गान है, इसलिए सब गाए। प्रथम चौपाई गोस्वामी जी के शब्दों में, आइए आगे बढ़े। बंदव गुरु पद पदुम परागा, Thank you.
पराग को प्रथम प्रणाम किया गोस्वामी जी। गोस्वामी जी को चरण धूलि पर इतना भाव है, वो अपने आप को नख ज्योति का अन अधिकारी बताते हैं कि गुरुदेव के चरणारविंद की जो नख ज्योति है वो तो बड़े भाग जिनके हो उनको मिलती है, मेरा भाग तो इतना बड़ा है ही नहीं। गोस्वामी जी आगे बोलते हैं, भाग छोट अभिलाष बड़, मेरा भाग बिल्कुल छोटा, मैं तो केवल दूरी का अधिकारी हूं। तो चरण दूरी की वंदना की है। भगवान शिव जी के शरीर पर लगी भस्म जितनी पावन है, इतनी गुरुदेव के चरण पर लगी रज, गुरु चरण कमल की पराग, ये सब इतने पावन माने गए। तो गोस्वामी जी कहते हैं, यही चरण दूरी से मेरे नेत्रों को दिव्य बना करके मैं राम कथा कहने जा रहा हूं। एक अंजन है गुरुचरण, संक्षेप में कह देता हूं गोस्वामी जी के शब्दों में। वो कहते हैं कि गुरु की चरण धूली इन रजों से, इन रजकण से मेरी दृष्टि को पावन करके मैं राम कथा को आगे कहने जा रहा हूं। तो पहले नयन की शुद्धि बताई, बाद में बयन बोले। जब तक नयन ठीक ना हो तब तक बयन की ताकत कभी सिद्ध नहीं हो सकती। जिनके नयन ठीक है उनके बयान बहुत दिव्य है, वो बे असर कभी नहीं हो सकता। इसलिए पहले नेत्र की, पहले दृष्टि की सफाई की बात की, दृष्टि दिव्य होनी चाहिए। गोस्वामी जी कहते हैं, गुरु चरण दूली से मेरी दृष्टि को पावन करके मैं कथा कहने जा रहा हूं। आइए गोस्वामी जी कैसे उद्घाटन करते हैं। ते ही कर Hey, Kali Bima.
लोचन वर्णम राम चरित पावन करके मैं रामचरित मानस कथा कह जाहिरात तो ऐसी है कि वर्णव रामचरित भव मोचन, तो अपेक्षा तो ऐसी रखी जाती कि अब सीधी राम कथा शुरू हो जाएगी क्योंकि गोस्वामी जी ने खुद ने जाहिरात कर दी। लेकिन राम कथा तो बहुत देर से शुरू करते, पहले तो सबकी वंदना करने लगे। गोस्वामी जी को किसी ने पूछा कि आपने जैसे घोषणा की ऐसा आपने नहीं किया, आपने तो कहा कि वर्णव रामचरित भव मोचन, तो हम तो अपेक्षा कर रहे कि अभी कथा शुरू हो जाएगी, लेकिन आप तो वंदना करने लगे। गोस्वामी जी ने कहा मैं परवश हो गया, क्या करूं, क्यों कि दृष्टि जब दिव्य होती है तब सबको वंदना ही आती है। हमारी दृष्टि जब तक ठीक नहीं तब तक हम दूसरों की निंदा कर सकते हैं, दृष्टि जैसे दिव्य हुई सब वंदनीय लगे। अब गोस्वामी जी न चाहे तो भी वंदना आ जाए, क्योंकि जिनकी दृष्टि संसार में दिव्य हुई है वो सबको प्रणाम ही करते रहे। तो ब्राह्मणों से वंदना का आरंभ किया। महर्षि अरविंद ने कहा कि भीतर से कोई खराब नहीं है, बहुत गंभीरता से इस सूत्र पर सोचे, अंदर से कोई खराब नहीं है मेरे भाई बहन, सब परम वंदनीय है यदि भीतर को देखा जाए। कुछ घटनाएं ऐसी घटती हैं, कुछ संजोग और देश काल कभी कभी इंसान को मजबूर कर देता है और आदमी कुछ ऐसा काम कर लेता है, बाकी भीतर से सब परम वंदनीय है। बड़ा प्रसिद्ध शेर है, लोग नाहक किसी मजबूर को बुरा कहते हैं। ये समाज नाहक लोगों को, कोई कोई आदमियों को बुरा कह देते कि ये बुरा है, बुरा है। वस्तुतः क्या है कि आदमी अच्छे हैं लेकिन वक्त बुरा होता है। अंदर से सब अच्छे हैं, सब पावन, सभी परमात्मा के अंश हैं, उन्हीं के बेटे हैं सब। तो जिनकी दृष्टि पावन हो जाती है वो किसकी निंदा करें। हम तो कथाओं में कहते रहते हैं कि आप जप तप करते हैं, तीर्थ करते हैं, ध्यान जो कुछ आप करते हैं और वर्षों से आप कर रहे हैं, और इसका फल आया कि नहीं ये यदि आपको देखना हो तो दूसरों के प्रमाण पत्र पर यकीन मत करना। लोग तो कहेंगे कि आप 20 साल से भक्ति कर रहे हैं, इन प्रमाण से तुम्हारी भक्ति को क्या लेना देना है। तुम्हारी भक्ति को, तुम्हारे साधन को, तुम्हारे भजन को, तुम्हारी साधना को फल आया कि नहीं ये यदि खुद को देखना है तो ये करते करते सबको प्रणाम करने की इच्छा होती हो तो समझना फल आने लगा। जब तक प्रणाम करने का भाव न उठे तब तक समझना अजीब अभी बीमारी चालू है। सब वंदनीय दिखाई। हमारे देश के कुछ महर्षि देवर्षि नारद जी ने एक भक्ति सूत्र लिखा, नारद भक्ति सूत्र आप जानते हैं। एक भगवान शांडिल्य ने भक्ति सूत्र लिखा, उसमें बहुत सुंदर बात शांडिल्य कहते हैं कि प्रणाम करने का मौका मत चुके, जिसको देखो प्रणाम करो। कोई तुमको वंदन करे तो उनको दिल से पहले प्रणाम करो, प्रणाम करो। जिसने प्रणाम करना चुका उसने परमात्मा को चुका, बुला दिया, सब परम वंदनीय है। इसलिए हमारे गोस्वामी जी आगे कहेंगे सी राम मैं सब जगना। जब तक आपको दूसरा अवंदनीय लगे तब तक तुम्हारी साधना फलित हुई नहीं थी। जिस बात है सब वंदनीय लगने लगे, किसी से विरोध न रहे,
तुम्हारा विरोध भले ही लोग करें, तुम्हारा किसी से विरोध न रहे। लोग तो तुम्हारा विरोध करेंगे, समाज तो करेगा, समाज का तो स्वभाव, तुम्हें किसी से विरोध न रहे, तुम निर्विरोध हो जाओ, सबको प्रणाम करे। बड़ी अच्छी अवस्था है मेरे भाई बहन, सबको वंदन करो। जड़ चेतन गुण दोषमय विश्व किन्ह करता। तो गोस्वामी जी ने वंदना से आरंभ किया। रविंद्रनाथ टैगोर के जीवन में ऐसी कथा है कि जब उसको नोबेल प्राइज मिला तो कहते हैं काफी संख्या में लोग उसको अभिनंदन देने आए, इतना बड़ा प्राइज प्राप्त किया उसने। तो कहते हैं उसका पड़ोसी उसको वंदन नहीं करता था, वो अभिनंदन देने नहीं चाहता, तो बस खड़ा रहता, न वंदन करे, न आदर दे, न कभी गुरुदेव कहे, बस देखता है। तो रविंद्रनाथ को वो पड़ोसी ही दिखाई देता रहा कि पूरी दुनिया मुझे अभिनंदन दे रही है, उसको क्या तकलीफ है, एक पड़ोसी को क्या हुआ, वो मुझे प्रणाम क्यों नहीं। बस बात मन में यही घूमती है, स्वाभाविक मानव स्वभाव। एक दिन समुद्र के तट पर टहल रहे थे तो समुद्र की जो पानी की भर्ती थी वो ओट में परिवर्तित हो गई, पानी चला गया, तो छोटे छोटे खड्डों में पानी भरा था और समुद्र हट गया था। तो सूरज की किरणें रविंद्रनाथ ने देखी कि समुद्र पर भी इतना ही प्रकाश डाल रही है और छोटे खड्डों में जो पानी है वहां भी इतना ही प्रकाश डाल रही है। इसको देखकर रविंद्रनाथ टैगोर को लगा कि सूर्य इतना महान होने के बाद भी कोई भेद नहीं करता, समुद्र पर भी इतनी किरणें और खड्डे में जो पानी वहां भी इतना ही सूरज दिखाई देता, तो सूरज ये इतना भेद कोई जरा सा भी भेद नहीं करता, तो हम क्यों कर रहे। लगा कि वो पड़ोसी वंदन न करे तो चलो मैं जाकर प्रणाम कर लूं, बात तो बन जाए कम से कम, हम एक दूसरे बोलते नहीं, एक दूसरे को देखते रहते हैं, कम से कम बोलना तो शुरू हो जाए। तो सीधा ही दौड़े वो समुद्र तट से, सुबह का समय था, वो घर में चाय पी रहा था, रविंद्रनाथ टैगोर उनके चरणों में गिर पड़े, उनकी आंखों में अश्रु आ गए, पड़ोसी की हद कर दिया, आप मेरे चरण में गिर रहे। वैसे वो गदगद हो गया, भाव सबर हो गया, लेकिन वो बड़ा सयाना था, उसने एक वाक्य कह दिया टैगोर को कि अब आपको नोबेल प्राइज मिला वो ठीक है, अब तक ठीक नहीं था, पड़ोसी में जब तक ब्रह्म न दिखाई दे, अब आपको न्याय संगत हो गया कि नोबेल प्राइज आपको मिला, अब बात बन गई। हमारे सौराष्ट्र का नरसिंह कहता है सकल लोक मां सहुने वंदे, सबको प्रणाम, सब में वही को देखे, कुत्ते में, चांडाल में, ब्राह्मण में, शैतान में, साधु में, किसी में भी, सब में वही परमात्मा नजर आए। वो तभी होता है जब आंख का नंबर बदल जाए, चश्मे का नंबर उतर जाए या बदल जाए, तभी ये घटना घट सकती, और वो नंबर बदलता है गुरु चरण धूली से। बाकी तो विरोध धार्मिक क्षेत्र में भी कहां कम विरोध है, धार्मिक क्षेत्र भी कहां स्वस्थ है, जो संसार को स्वस्थ कर सकता है वो क्षेत्र भी कहां निर्विरोध बचा है आज, सोचना चाहिए। तुम्हारी साधना तभी सफल है जब सबको प्रणाम करो। उसने मुझे प्रणाम नहीं किया, नहीं किया, तुम करो, तुम सीनियर हो, तुम ऊपर उठे हुए हो, तुम प्रणाम करो, वो न करे, वो यहां पहुंचा नहीं। गोस्वामी जी सब बहुत अच्छी बात है मेरे भाई में, कोई तुम्हारे चरण छुए उनसे पहले आंखों से हृदय से झुको, छोटे से बच्चे को भी भाव से प्रणाम करो, प्रणाम करने का अवसर कृपया मत चूके। शांडिल्य का अद्भुत सूत्र है प्रणाम करो। लेकिन जिसके सर पर बहुत वजन होता है ना, भार होता है, वो झुक नहीं सकता क्योंकि उसको डर लगता है कि वजन गिर जाए तो। किसी को जानकारी का भार होता है, किसी को प्रतिष्ठा का भार होता है, किसी को अपने मान बैठे ज्ञान का भार होता है, वो झुकने नहीं देता ना, यही तो बड़ी मुश्किल है। गोस्वामी जी सबको प्रणाम करें। सबसे पहले गोस्वामी जी ने ब्राह्मण को प्रणाम किया, आचार्य वृंद को, भारत की आचार्य संस्कृति को, आचार्य देवो को प्रणाम कर, भारत की ऋषि परंपरा को प्रणाम किया।
गोस्वामी जी ने जो संस्था जो आचार्य संस्था संशयित मोह से निर्मित होने वाले संशय को शास्त्रों के अर्थ बता बता कर निर्मूल करने में समर्थ है, ऐसी आचार्य संस्था को प्रथम प्रणाम किया, बाद में सज्जनों की वंदना की, समग्र समाज की वंदना की और बाद में साधुओं की वंदना की। साधु की वंदना करते हुए गोस्वामी जी ने कहा कि साधु का चरित्र कपास के फूल जैसा होता है। और फूल गोस्वामी जी के दिमाग में नहीं आया, कपास का फूल ही नजर में आया। गुलाब के फूल की तरह साधु का जीवन नहीं, किसी ने पूछा भी कि गुलाब की तुलना उपमा देनी चाहिए, बोले नहीं, गुलाब तो शाम मुरझा जाता है, कपास नित्य खिला रहता है। साधु मुरझा जाए ऐसा नहीं होना चाहिए, साधु तो नित्य नूतन होता है, नित्य नई प्रसन्नता, नित्य नई स्फूर्णा, नित्य नई यात्रा उसकी होती है। वो मुरझा जाए कैसे चले? साधु उदासीन होता है, उदास कभी नहीं होता। संसारी लोग उदास होते हैं, साधु उदासीन होते हैं। उदास और उदासीन में बड़ा अंतर। आप उदास से उदासीन हो जाओ तो जो कपड़े पहने हैं उसी में आप सन्यासी हो गए, आप सन्यास पा गए। उदासीन होना बड़ा अद्भुत गुण है। गीता में भी उदासीन शब्द का बहुत महत्व आया। अनपेक्ष शुचिर दश उदासीनो गर उदासीन। बहुत सुंदर शब्द है। उदासीन की व्याख्या बाद में कभी करेंगे, लेकिन इतना एक सामान्य व्याख्या तो आप उन पर सोचे कृपया। कोई आदमी आपके पास आया और व्यक्ति ने आकर कहा कि फला आदमी बहुत महान है, बड़ा अच्छा है, ऐसा आदमी हमने कहीं देखा, तो उसमें हा भी न कहे और विरोध भी न करे। किसी ने आकर कहा कि फला आदमी बहुत बुरा है, जन्मजात बुरा है, उसमें सम्मति भी न भर दे और विरोध भी न करे, उदासीन रहे। हमारे गोस्वामी जी आदेश के रूप में बोले, उदासीन नित रही गोसाई, उदासीन बड़ा प्यारा। संसारी का स्वभाव है उदास रहना, संतों का स्वभाव है उदासीन रहना। कोई वस्तु छुए ना, उदासीन होना। तो साधु कपास के फूल की तरह होता है, नित नूतन, नित नया। और कपास के पौधे को आपने देखा होगा खेतों में, कपास की जो डांडी होती है वो उनका वो भी हरा होता है, उसकी पत्तियां भी हरी होती है, उसके मूल भी हरे होते हैं, सूखे हुए नहीं। इस सभी हरी वस्तुओं में कपास सूखा रह सकता है। साधु वो हैं, वो संसार और माया के सभी हरे पने में अपने आप को सुखाए रखता है, अपने आप को तटस्थ रखता है, उदासीन। ये बड़ा गोस्वामी जी का कितना दिव्य अभ्यास रहा होगा कि कपास के फूल की तुलना उपमा में कितनी सटीक और पर्याप्त तो उपमा है, पूर्ण उपमा है। आप कपास के उसको देखे खेतों में, सब पत्ते हरे होंगे, उस कपास का जो होता है वो भी, लेकिन उसमें जो कपास की रुई होती है वो बिल्कुल सबसे परी रहती है। वैसे साधु वो है समाज की हर घटनाओं में अपने भीतर से सुखाया हुआ महसूस करता, उदासीन रहता, ऐसे साधु समाज को प्रणाम किया। और अब संतों की वंदना करते हैं। संतों को गोस्वामी जी ने संत समाज को प्रयाग की उपमा दी, तीर्थराज की। संत समाज वो तीर्थराज है, तीर्थ नहीं, तीर्थों के राजा। गोस्वामी जी के शब्दों में सुन, मुद मंगल माय संत जो जग चंद्रमती
तीर्थराज का अक्षय बट है, बट विश्वास अचल निज धर्मा, अपने धर्म में पूरी अटलता, पूरी दृढ़ता, पूरी आस्था, वो है अक्षय बट, संत समाज के तीर्थराज का। तो मेरे गोस्वामी जी बता रहे हैं कि संतों का समाज तीर्थराज। गोस्वामी जी की दृष्टि में साधु और संत में बहुत सूक्ष्म अंतर है। दोनों महान है, लेकिन साधुता के बाद जो छलांग आती है उसको संतत्व कहते हैं। इसलिए गोस्वामी जी कभी कभी साधु शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी संत का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब उसकी दृष्टि में कहीं न कहीं बारीक अंतर है दोनों। वैसे समान अर्थ में भी साधु संत शब्द पाया गया, लेकिन गोस्वामी जी की दृष्टि को ठीक से देखें तो दोनों में अंतर है, वरना वो दो शब्द का प्रयोग नहीं करते। साधु संत के साधु संत के तुम रखवारे, साधु संत के तुम राम दुलारे, असुर निकंदन राम दुलारे। साधु और संत में साधु ताका सोपान के बाद जो अंतिम सोपान पर पैर रखना होता है वो है संत सोपान। संतों ने बहुत से अर्थ निकाले हैं। साधु और संत में थोड़ा जो भेद है, साधु उसको कहते हैं, आप अंदाज कर सकते हैं, निर्णय कर सकते हैं कि साधु को अपना अपना वेश होता है, गणवेश होता है। सन्यासी साधु तो ऐसा ही वेश पहन, आप देखकर ही कह सकते हैं कि ये सन्यासी साधु। उदासीन साधु आप देखकर कह सकते हैं, जैन साधु का वेश देखकर आप कह सकते हैं कि जैन साधु, ईसाई साधु को देखकर कह सकते हैं आप, इस्लामी साधु को देखकर आप कह सकते हैं। तो वेश पर से आप निर्णय कर लेते हैं इस संप्रदाय का साधु है, इस पद का साधु है। लेकिन संत को कोई गणवेश नहीं हो सकता, वो दो
धोती में भी हो सकता है और पैंट में भी हो सकता है, उद्देश्य में भी और कहीं भी हो सकता है, काला भी हो सकता है, गोरा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, उसको कोई गणवेश की जरूरत नहीं। दिगंबर भी हो सकता है और पीताम्बरधारी भी हो सकता है, नंगे पैर भी हो सकता है और हाथी पर बैठा भी आप पा सकते हो, उसके लिए कोई गणवेश नहीं, वो संत है। दूसरी बात, साधुओं को अपना अपना तिलक होता है, अब तिलक पर से भी निर्णय कर लेंगे कि ऐसा तिलक करेंगे तो बैरागी साधु है, ऐसा तिलक करेंगे तो निम्बार की साधु है, ऐसा तिलक करेंगे तो शैव है, ऐसा तिलक करेंगे तो शाक्त है। तिलक पर से आप निर्णय कर सकते हैं कि ये साधु इस पथ का है। संतों को तिलक की जरूरत नहीं, तिलक करते हैं लेकिन तिलक की जरूरत, संत तो साधु कुल का तिलक है, समग्र साधु समाज का तिलक है संत। तिलक हो भी न भी हो, साधुओं को अपने अपने आसन होते हैं, संत को कोई आसन की जरूरत नहीं, कहां भी बैठ सकता है, कहीं भी बैठ जाए, दूरी में भी और कनक सिंहासन पर भी बैठ सकता है, और साधुओं को अपना अपना आसन होता है, इसलिए तो साधु बहुत जमा नहीं हो सकते देश में, ये आसन की तकलीफ होती है ना। हमारे पास, हम बंबई में कथा कह रहे थे, अभी कई जगह ऐसी घटना घटती है, तो हमारे पास कुछ लोग आए, बोले हमारे गुरुजी, हमारे गुरुदेव कथा में आना चाहते हैं, तो हम ले आए। मैंने कहा बहुत बड़ी अनुग्रह होगा, कोई महापुरुष पधारे तो हमको आशीर्वाद दें, कुछ वो भी बोले हम सुने। हमने कहा, वो राजी होकर गए, लेकिन पुनः आए, मुझे कहा कि उसका आसन व्यास गादी से ऊंचा रखना पड़ेगा। हमने कहा जितना ऊंचा रखना हो, पंडाल पर रखना हो तो वहां रख लीजिए, हमें क्या तकलीफ है, जितना आपके नियम के अनुसार जितना ऊंचा रखना रखिए ना, हमको क्या तकलीफ है, हमें कोई सचमुच हमको कोई आपत्ति ही नहीं, क्यों आपत्ति हो सकती है हमको। ऐसा होता है हमारे अनुभव, आसन की तकरार रहती है, हम इतने नीचे नहीं बैठेंगे, हम यहां बैठेंगे, उसका दर्जा समान, साधु लोग आएंगे तो भी ऐसी तकलीफ होती है। हम एक जगह प्रवचन करने गए हमारे अहमदाबाद में, तो तीन गाड़ी लगी हुई थी, तीन व्यास गाड़ी थी और तीन पर तीन महापुरुष बैठे थे और महात्मा लोग नीचे बैठे थे, हम भी स्टेज पर बैठे थे नीचे, और तीन व्यास गाड़ी पर तीन परम वंदनीय लोग बैठे थे। तो जब हमारा बोलने का पारी आई तो कहा कि आप कुछ बोले, तो हमने कहा माइक यहाँ लगा दीजिए, हम बैठे बैठे बोले या तो खड़े खड़े बोले। तो एक महापुरुष ने कहा कि नहीं नहीं, आप नीचे बैठ कर तो कैसे बोल सकते, और खड़े खड़े आपको बुलवाए वो भी ठीक नहीं लगता। तो मैं मन में सोच रहा कि ठीक नहीं लगता तो एक आदमी गाड़ी खाली करो तो मैं बैठू ना, मैं वहां बैठकर बोलू, यदि आप प्यार करते दुलार करते तो वहां बैठकर बोलू, वो खाली नहीं करते और मुझे बोलने नहीं देते, नीचे आप मत बैठे खड़े, मेरे जीवन में बनी घटना। बाद में ऐसा निर्णय लिया गया कि एक गाड़ी पर हम दो बैठे, दास गाड़ी को भी हम लोगों ने खंडित कर दी, उसमें भी भेद निर्माण कर दिया, जो अखंडता का प्रतीक है, जो एकता का प्रतीक है, जो समन्वय का प्रतीक है, जो एक धर्म की मशाल लिए हुए विश्व को उजागर करने के लिए जो प्रेरणा देती, उसको भी हमने भेद रेखा में से नापा है। इसलिए हम बार बार कहते हैं कि सामाजिक, आर्थिक और कोई बातों से समाज टूटे तो धर्म उसको जोड़ेगा, लेकिन धर्म स्वयं अपने आप में टूटेगा तो उसको कौन जोड़ेगा, कहां उसका समन्वय करेगा। तो हम तो देखते रहते हैं और हंसते रहते कि क्या तकरार, क्या बीमारी लगी हुई है। ठीक है, जो हो, मैं तो ये कहना चाहता हूं कि साधुओं में कभी कभी ऐसी वो होती है, हमारा ये आसन, हमारा ये आसन, ठीक है, देना चाहिए। संत को कोई आसन की क्या जरूरत, वो जहां बैठता है वो मानता है प्रभु की गोद में बैठा हूं, और उससे तो ऊंचा आसन संसार में कोई नहीं है, जो गोद में बैठ जाता है। तो संत वो है, उसको आसन की जरूरत नहीं।
उससे भी आगे हम जाएं तो ये कह सकते हैं कि साधु वो है जो परमात्मा से प्रेम करता है, लेकिन संत वो है जिसको परमात्मा स्वयं प्रेम करता है। संत को परमात्मा प्रेम करता है, रामचरित मानस में प्रमाण है उसका। भरत सरिस को राम स्नेही, जग जपु राम राम जपु जी। श्री भरत जी का नाम जब प्रभु कर रहे हैं, भरत भरत जपते रहते हैं, तो संत को परमात्मा प्रेम करते हैं, साधु परमात्मा को प्रेम करता है। उससे भी यदि आगे जाएं, ज्यादा उसका खुलासा करें, तो साधु वो है उसको कभी कभी असाधुओं के साथ लड़ना पड़ता है, देश काल को देखकर, स्वधर्म को देखकर, परिस्थिति को देखकर। साधु को कभी कभी दिल में बुराई नहीं होती, दिल में रोष नहीं होता, दिल में द्वेष नहीं होता, लेकिन स्वधर्म कभी धक्का मारेगा तो साधु को असाधु से टकराना पड़ता है। लेकिन संतत्व जब आता है तब के ही सन कर ही विरोध, तब सब टकराहट समाप्त हो जाती। संत संत है, हमारी तो ये पूरी आस्था है, इसलिए बोल रहा हूं कि संत शब्द बोलने से पाप मिटने लगते। दर्शन, उनका स्पर्श, उनकी सेवा, उनका सामीप्य, उनके शब्द मिलने के बाद तो न जाने क्या हो, लेकिन केवल आप संत बोलो तो भी तुम्हारे पाप कटने लगते हैं। इतनी शक्ति है संत शब्द है, विश्व का सबसे ऊंचा शब्द है संत, भगवंत से भी ऊंचा संत। रामचरितमानस का ये दर्शन है, मोते संत अधिक करिए, जानहू संत अनंत समान, संत महान। साधु वो है जिसको कष्ट होता है तो परमात्मा उसके परित्राण के लिए अवतार लेते, परित्राणाय साधुना। साधुओं के लिए परमात्मा परित्राण के लिए जब कष्ट में आ जाते हैं साधु समाज, तो भगवान अवतार लेते हैं। लेकिन भगवान जब कष्ट में आ जाते हैं तब संत अवतार लेते हैं। परमात्मा का परित्राण संत द्वारा होता है, संत परमात्मा का भी परित्राण कर, भगवान जब फंसता है तब संत के आश्रय में जाता है। इसलिए तो वो खुद बोले पदों उधो मोहे संत सदा अति प्यार, उधो भगवान श्री कृष्ण का गृहस्थाश्रम देखने के लिए, तो एक महल में भगवान श्री कृष्ण सुबह में ध्यान कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान में बैठे हैं, कोई महापुरुष मानो समाधि में डूब गया हो। नारद जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, ध्यान पूरा हुआ, नारद जी मिले, भगवान दोनों मिले। नारद जी ने प्रश्न किया कि समझ में नहीं आता कि पूरा जगत तुम्हारा ध्यान करता है, आप किसके ध्यान में बैठे। तब प्रभु ने फरमाया, हे नारद, मैं मेरे संतों का ध्यान करता हूं, संत का सुमिरन मैं करता हूं, संत का मैं ध्यान करता बैठता हूं। संत सदा चरण रज अंग
वांछित पाई लोक मिले पर लोक मिले इधि लोक मिले वैकुंठ जाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई सुंदर और मिले सब ही सुख संत समागम दुर्लभ भाई पुण्यमात मिले सुख दात मिले जुगती सुख दाई राज मिले गजवाज मिले सत्कार मिले लोक मिले पर लोक मिले लोक मिले वैकुंठ जाई सुंदर और मिले सब ही सुख समागम दुर्लभ भाई समागम दुर्लभ भाई समागम दुर्लभ भाई तो संत परमात्मा से मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा। तो संतों की और साधु की वंदना बिलग बिलग करके उनमें रहा संत दृष्टि का जो बारीक भेद है वो संतों ने बताया। संतों के लक्षण इतने महान है कि कौन वर्णन कर सकता है। गोस्वामी जी तो कहते हैं सब्जी बेचने वाला मनी का गुणगण नहीं कह सकता, वैसे संतों की बात मैं नहीं कह सकता। कौन प्रवचन कर सकता है संतों के बात पर? केवल संतों को बंधन किया गया। मानसकार कहते हैं बंदाऊं संत समान चित। एक अर्थ में कहूं ना तो राम कथा संत महिमा का ग्रंथ है। बड़ी भूरी भूरी महिमा गाई संतों की। और हम तो कथाओं में कहते रहते मेरे भाई बहन भगवान से कभी कुछ मत मांगना। मांगना कभी मांगो ही मत। जब से हम लोग भक्ति में मांगना सीख गए तब से भक्ति तेजहीन हो गई, एकदम निस्तेज हो गई। मांगना मत। फिर भी यदि आप मांगे बिना न रह सको तो इतना मांगो कि हे प्रभु हे ठाकुर हमारा प्रारब्ध पूरा हो इससे पहले हमें कोई संत का दर्शन करवा दो। गांधी जी जिसको गुरु मानते थे श्रीमद राजचंद्र हमारे सौराष्ट्र के महान सिद्ध पुरुष, उसने लिखा है कि हे पुराण पुरुष परमात्मा बुरा मत लगाना, तुम मुझे न मिलो तो कोई आपत्ति नहीं कोई फरियाद नहीं, बुरा मत लगाना। ईश्वर से बात कर रहा कि तुम मुझे न मिलो तो कोई चिंता नहीं, लेकिन एक कृपा जरूर करना कि तुम्हारी परीक्षा में जो पास हो गया ऐसे कोई संत की मुलाकात जरूर करवा देना। संत मिल जाए तो बात नहीं। अब संत शब्द की इतनी महिमा है, संत शब्द बहुत बोला जाता है, तो सवाल ये उठता है कि भाई संत कहे किसको? क्योंकि हम लोगों ने संत शब्द इतना सत्ता बना दिया है कि सबके लिए हम संत शब्द का प्रयोग कर देते हैं। बहुत जिम्मेवारी है संत शब्द में। तो संत किसको कहें? पहचान तो होनी चाहिए। इशारे किए हैं पूर्ण रूप में कोई पहचान नहीं करवा सकता। संत तो दुनिया में है ही, संत न होए तो ये संसार नहीं चलता, लेकिन संत पहचान नहीं हो पाती। पहचान पा मिल जाए तो
कुछ इशारे किए हैं गोस्वामी जी ने कि किसको संत कहोगे, क्योंकि उसका कोई गणवेश तो है नहीं, न वर्ण है न कोई आश्रम है, कैसे आप उसको उसको पहचानोगे? तो कुछ इशारे बताए कि ऐसी वस्तु जहां दिखाई दे समझना संत है। बंदव संत समान चित हित अनहित नहीं को। संत वो है जिसका चित समान है। चित्त की अवस्था ही बताई, न कोई कपड़े की बात कही, न कोई तिलक की, न कोई मंत्र की, न कोई माला कंठी की, न कोई संप्रदाय की, न कोई पंथ की, न कोई ऐसी कोई बात नहीं बताई जिसका चित्त समान हो। जिस हाथ ने फूल को तोड़ा और जिस हाथ ने फूल को शिवलिंग पर चढ़ाया, फूल दोनों हाथ को सम सुगंध देता है, तोड़ने वालों को और चढ़ाने वालों सम सुगंध। संत वो है जिसका चित्त समान। गोस्वामी जी को लगा कि एक और व्याख्या भी समाज को दे दे, इसलिए आगे एक चित्त की और दशा का वर्णन करते हुए, संत सरल चित्त जगत हित जान सुभाषणे पार कही कृपा राम चरण सरति। दूसरी बात बताई, संत का चित्त सरल होता है, संत कभी कठोर नहीं हो सकते, उनका चित्त सरल होता है। जिसका चित्त सरल और जिसका चित्त समान उसको संत कही। कई लोग संतों को अंदर से समझे बिना आक्षेप कर रहे, कई लोग कहते हैं कि आजकल जितने संत महात्मा है वो सब धनवान आदमियों के घर में ठहरते हैं, उनको ज्यादा आदर देते हैं, उनके मस्तक पर हाथ रखते हैं, गरीबों को तो कोई बुला, ऐसा आक्षेप लोग करते हैं। हमारे रणछोड़दास जी बाबू को किसी ने पूछा कि आप पैसे वालों के मस्तक पर हाथ क्यों रखते हो, गरीब लोगों को तो आशीर्वाद देते हैं, कैसे समझ? संत की पहचान बहुत मुश्किल है जान देना। तो बहुत सुंदर मौलिक जवाब दिया था कि हम धनवानों के सर पर हाथ इसलिए लगते हैं कि बुद्धि उसी की ही बिगड़ी हुई है, गरीबों की बुद्धि बिगड़ी हुई है ही नहीं, उसको तो केवल एक मुस्कुराहट दे दो तो भी पर्याप्त है, लेकिन इनकी बुद्धि बिगड़ी है, उनकी बुद्धि सुधारना है, इसलिए हम। हमारा एक महात्मा तो मुक्त हो गए, लेकिन स्वामी शरणानंद जी जो थे बड़े बड़े अनुभूत संत थे ना, बड़े अनुभूत कोई भी शास्त्र का प्रमाण नहीं देते, बस बोलते जाते, कोई आकर विरोध करके कहते कि आप जो कह रहे हो कौन शास्त्र में, तो कहते तुम शास्त्र में देख लो प्रमाण, हम क्यों मेहनत करें, हम तो अनुभूति से बोल रहे हैं। तो कहते हैं कि वो कभी कोई एक बहुत शराबी शराब पी रहा था, बहुत पैसे उसके घर ठहरे, तो किसी ने कहा बाबा आपको पता है इसके घर ठहरे हुआ शराब पीता है? हाँ बोले पता, इसलिए तो ठहरा हुआ कि मैं जितना दिन जितने दिन रहूंगा इतना दिन तो वो नहीं पिएगा, इतना तो फायदा उसको, शर्म आएगी उसको। संतों की क्रिया बड़ी अद्भुत होती है, उसको पहचानना मुश्किल है। तो संत कठोर होते ही नहीं, बहुत सरल, उसका भीतरी भाव बहुत सरल होता। हमारे सौराष्ट्र की कथा है, आपने सुनी होगी, नरसिंह मेहता को राजा ने, जूनागढ़ के नरेश ने जेल में बंद कर दिया था कि तुम कीर्तन करते हो, दुनिया को धोखा देते हो, ये करते हो, तुम्हारे हाथ में भगवान हाथ से हार दे और आपके गले में हार पहना दे तो ही मैं मानू, ऐसा। और नरसिंह मेहता के जीवन में बनी घटना है कि भगवान ने आकर हार पहना, बड़ी प्रसिद्ध कथा। उसके बाद रा को, जो उस काल में जूनागढ़ प्रशासन कर रहा था, उसको बहुत दुख हुआ कि मैंने संत अपराध किया, तो नरसिंह मेहता का पैर पकड़कर वो क्षमा मांगने लगा और परम वैष्णव भक्तराज नरसिंह को कहा कि आप मुझे शाप दो, दंड दो। नरसिंह मेहता कहता कि भाई मैं कैसे शाप दूं, आपने मेरा कुछ बिगाड़ा ही नहीं, तुमने तो मेरा कितना बड़ा सम्मान करवाया।
नगर का कोई महापौर कोई बड़े आदमी और कोई अभिनंदन करे नागरिक अभिनंदन तो आदमी को कितना आनंद होता है कि मेरा पूरे नगर ने सम्मान किया। तो तुमने तो भगवान के हाथ मेरा सम्मान करवाया, स्थान जेल में किया गया, इतना ही फर्क। बाकी भगवान ने मुझे हार पहनाया, तुमने तो मेरा बड़ा बहुमान करवाया, तो मैं कैसे तुमको। लेकिन वो इतना रोया सम्राट कि नहीं, मुझे शाप तो नरसिंह मेहता को लगा कि अब मैं उनको शाप नहीं दूंगा तो उसको शांति नहीं होगी। तो नरसिंह मेहता ने कहा ठीक है चलो मैं आपको शाप दूं, आप पर गुस्सा करूं, लेकिन एक काम करो, शाप कैसे दिया जाए वो मुझे सिखाओ, आपके घर ले जाओ, 15 दिन मुझे तालीम दो कि शाप कैसे दिया जाए। क्योंकि संत सरल चित, उसका चित बिल्कुल सरल है। और संतों के पास जब जाओ तब गोस्वामी जी बहुत मार्मिक बात लिख देते हैं। बाल गोस्वामी जी की उम्र कितनी है जब ये लिख रहे हैं? करीबन 90-100 के आसपास है गोस्वामी जी। मुगलों की 3 पीढ़ी देखी है तुलसीदास जी, 130 कितने साल इतना जिए हैं वो, बड़ी दीर्घायु रही उनकी बाबा की। तो वो बिल्कुल जैद थे, इतने बूढ़े थे तभी वो लिख रहे हैं। लेकिन अपने आप को क्या कहते हैं? बाल विनय सुनी करी कृपा राम चरण रति दे। संतों के पास जब जाओ तब बालक बनकर जाना, बड़ों बनकर गए तो वैसे ही लौटोगे, कुछ पाओगे नहीं, खाली बनकर जाना। पात्र खाली हो तो ही भरा जाता है। हम सब अपना पांडित्य लेकर, अपनी प्रतिष्ठा लेकर, अपना पैसा लेकर, अपनी वाहवा लेकर संतों के पास जाएंगे तो वैसे ही लौटेंगे, कुछ भरे नहीं जाएंगे, खाली बनकर जाए। बाल विनय बहुत सुंदर, बाल विनय सुन, हम पर इतनी कृपा कर दे बाल विनय सुनकर कि हमको राम चरण में रति हो जाए, प्रीत हो जाए। तो गोस्वामी जी ने ये 2 इशारे किए, बाकी तो आगे आगे संतों के बहुत से लक्षण दिखाए हैं रामचरितमानस में। लेकिन सरल चित और समान चित, ये संत का लक्षण। तो पहचान के लिए इशारे बताए कबीर साहब ने, 5 वस्तु बताई कि संत को पहचानना हो तो 5 वस्तु जहां आपको दिखाई दे बस समर्पित हो जाओ, बाद में चुकना मत। बहुत सुंदर 5 वस्तु बताए, मेरे भाई बहन ठीक से सुने और अपने मन में गुने। दया गरीबी बंदगी समता शील निधान, एते लक्षण संत के कहत कबीर तुम जान। दया गरीब बंदगी समता शील हैं कि 5 लक्षण जहां देखो संत जानना। एक तो दया, जिसके हृदय में दया का सागर उमड़ रहा वो संत है। सब पर बराबरी दया जिसके दिल में उमड़ रहा, संत बहुत दयालु होते, बहुत दयालु। हमारे सौराष्ट्र की कथा है कि एक बनी घटना है, एक देहात में एक किसान की बेटी के सर में कीड़े पड़े, और उस जमाने की बात जब कोई इलाज नहीं था और जिसको कुष्ठ रोग होता और जिसके सर में कीड़े पड़ते उसको माँ बाप भी घर में नहीं रखते, निकाल देते घर से, क्योंकि इतनी भयंकर बदबू आती। तो करीबन 13-14 साल की लड़की सर में कीड़े पड़े और बदबू से पूरा गाँव परेशान हो गया। तो माता पिता इस बेटी को गाँव से 1-2 किलोमीटर दूर खेत में एक वृक्ष के नीचे ले जाते हैं, कहा बेटी तुम यहाँ रहियो, हम तुम्हारे लिए सुबह शाम यहाँ टिफिन भिजवा देंगे, भोजन भिजवा देंगे, लेकिन पूरे गांव और हम भी सह नहीं सकते, हम तुम्हारे माता पिता हैं, लेकिन बेटी
इस सर की जो तुम्हारी बीमारी है, हमारा सर फट जाता है। बेटी ने कहा हाँ मुझे यहाँ रख दो, ये ठीक है, मेरे कारण सबको कष्ट हो। वो वहां रह गई। माता पिता आते भोजन लेकर तो दूर से रखकर चले जाए, इतनी बदबू आती कि क्या बताएं, भयंकर कीड़े पड़ गए, इतना सड़ गया उसका मस्तिष्क। एक दिन ऐसी बनी घटना है, एक संत निकले, रमते राम कोई महापुरुष था, तो दूर देखी कोई व्यक्ति को, गए उनके पास। बेटी को आश्चर्य हुआ कि सब लोग मेरे से मुंह मोड़ रहे हैं और ये बाबा यहां तक पहुंच गए। प्रणाम किया, बापू प्रणाम। संत ने कहा बेटी कौन हो तू? बोले बाबा मेरे पड़ोस में जो गांव है बगल में, वहां के किसान की बेटी, तो यहां बोले मेरे सर में इतना सड़ गया है सर कि कीड़े पड़े हैं बाबा, कोई इलाज नहीं, पूरा गांव मेरी इस बदबू को सह नहीं सकता, इसलिए मुझे यहां रख दिया गया। मेरे माता पिता मुझे भोजन दे जा, उसका क्या कसूर, क्योंकि दुर्गंध ऐसी आती है। बोलते बोलते बेटी की आंख में अश्रू आ गए। बाबा आप ऐसा आशीर्वाद न दे कि मेरी मृत्यु हो जाए, मैं किसी के उपयोग में तो नहीं हूं। संत कितने दयालु होते, नेत्र भर गए। ऐसा मत बोलो बेटी, भगवान तुम्हें दीर्घायु करे। बेटी इस दर्द का कोई इलाज नहीं? बोले एक इलाज है बाबा, 2 साल पहले एक कोई वैद्य साधु आया था हमारे घर, उसने बताया था कि इस बेटी के सर में जो कीड़े पड़े हैं उसको कुत्ता, कोई कुत्ता उसको जीभ से चाट ले, खा ले, तो ये बेटी का सर दर्द अच्छा हो सकता है। कुत्ते के मुंह की प्रवाही के बिना, अथवा तो वो चाटे नहीं, तो ये कभी ही वो होने वाला नहीं, कोई चाट ले इसे। बनी घटना है भारतवर्ष की, संत 4 पैर कुत्ते की तरह हो गया और कहा बेटी सो जा, आज से तेरा कुत्ता मैं, तेरा सरदर्द जब तक मिटेगा नहीं तब तक मैं तेरे मस्तिष्क को चाटता रहूंगा। और ये संत ने उसके मस्तिष्क को चाटते रहते कीड़े सब वो कर दिए और बेटी का मस्तिष्क विरुज हुआ। ये है संतों का काम। इसलिए कबीर कहते हैं परम दयालु होते हैं संत। दूसरा लक्षण संत का गरीबी। जो संत है वो अंदर से बहुत गरीब होता है, सरल होता है, मुलायम होता है, सुकोमल होता है। जैसे गरीब आदमी हुआ करते हैं, गरीबी बड़ा अच्छा स्वभाव, भगवान आपको बहुत दे, खूब दे। हम भी प्रभु को प्रार्थना करें कि सब बहुत सुखी, लेकिन भीतर से आपको परमात्मा गरीब बनाए रखे, आप अक्कड़ ना हो जाए गरीब। तीसरा लक्षण है, गरीबी शब्द बड़ा प्यारा है, इसलिए कबीर साहब ने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है अपने पदों में। एक पंक्ति सुनिए, कबीर कहते हैं कर गुजरान गरीबी, कर गुजरान गरीबी।
संत लक्षण है दया गरीबी बंदगी समताशील निदान चौथा लक्षण है समता न कोई अपना न कोई पराया बिल्कुल समानता जिसके जीवन में आ जाती है समताशील निधान और शील का तो निधान होता है एक लक्षण संत के किसी ने कभी साहब को एक और प्रश्न कर लिया कि ये पांच लक्षण जिसमें हम देख रहे और संत कह दे लेकिन पूरा प्रमाण क्या इनसे हमको असर क्या होगी तो दूसरा दो हाथ लगा दिए दुख हरे सुख को दिए जो दुख हरे सुख को दिए मन का कर दे अंत मन का निरोध नहीं मन को समाप्त कर दे कई महापुरुष ऐसे होते हैं उनके पास आप जाओगे तो आपके विचार समाप्त हो जाए संकल्प विकल्प आप कई धारणा लेकर जाते हैं कि ये कहे ये पूछे लेकिन सब विचार समाप्त हो मन का कर दे कह कबीर कब मिली है ऐसे परम सने ही सन मगरूरी क्या फिरता है मगरूरी समताशील एते लक्षण संत के कहत कबीर ये तो इशारा है पर्याप्त रूप में तो कही सकन सारद अंजलिगत शुभ सुमन जी समसुगंध संतों को प्रणाम किया
संत महिमा का शास्त्र है रामचरितमानस। सत शब्द पर जब अनुस्वार लग जाता है, सत शब्द पर जब कलश चढ़ जाता है, सत शब्द के ऊपर जब पताका फैल जाती है, तब संत बना जाता है। उसके पहला संत नहीं होता। संतों ने सत्संग सबसे दुर्लभ बताया। भगवान शंकराचार्य महाराज कहते हैं, मनुष्य शरीर दुर्लभ है, मनुष्य शरीर पाने के बाद मनुष्यत्व दुर्लभ है, और मनुष्यत्व पाने के बाद संत पुरुषों की संगति दुर्लभ। एक घड़ी आधी घड़ी आधी मैं पुनी तुलसी संगत साधु की, तो कटे ओटी अपराध। तो सत्संग मिल जाए तो समझो प्रभु की बड़ी कृपा। विनय पत्रिका में लिखा है, संत कब मिलते, साधु कब मिलता। गोस्वामी जी का स्पष्ट, बिल्कुल कोई तर्क कोई व्याख्या नहीं कर सकते, बिल्कुल खुला और स्पष्ट जवाब, कब मिलते हैं। जब द्रवत दीन दयाल राघव, जब दीन दयाल राघव व्यक्ति पर द्रवीभूत हो जाते, जब द्रवत दीन दयाल राघव, तब साधु संगत पाए। जब द्रवत दीन दयाल राघव, साधु संगत पाए। तो संत आश्रय करें, संत मिला। कई प्रमाण दिए गए संतों के द्वारा, संतन के मन रहत है, संतन के मन बसत है, सबके हित की बात, घट घट देखे हरि को, ये पूछे जातन पा, घट घट देखे हरि को। संतों की महिमा न्यारी, ये तो वेद पुराण बखानी है, संतों की महिमा न्यारी। तो संतों की वंदना गोस्वामी जी ने की, प्रभु से रोज प्रार्थना करना, ठाकुर को रोज मनाना, हमको संत दर्शन हो जाए ऐसी कृपा करो। मानस में लिखा है, संत दर्श जिन पातक टले, संत दर्शन से पातक मिट जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो संतों की वंदना की, साधुओं की वंदना की, ब्राह्मणों की, सज्जनों की वंदना करते करते कुछ चौपाइयों में दुर्जनों की वंदना की, शठों की खलों की वंदना की, बहुत लंबा प्रकरण। अभी एक जगह प्रश्नोत्तरी चल रही थी, तो एक विद्वान व्यक्ति ने पूछा कि गोस्वामी जी ने दुर्जनों की वंदना क्यों इतनी, क्योंकि उनको दुर्जनों से डर लगता था, दुर्जनों को राजी करना चाहते थे, इसलिए वो दुर्जनों को प्रणाम कर रहे। हमने कहा ऐसी बात नहीं, हम सबको प्रेरणा देने के लिए दुर्जन शब्द का प्रयोग किया, शठों खलों का प्रयोग किया, कि हम भी उसके कदम पर कहीं ऐसा दिखे तो हम भी प्रणाम करना सीख ले, बाकी उनको किसका डर। भक्ति उसको कहती है, कहते हैं जहां कोई भय ही ना हो, क्योंकि भक्ति में क्या होता है कि भगवान से कभी विभक्ति नहीं होती। भक्त की व्याख्या ही है जो भगवान से कभी विभक्त ना हो,
भगवान से छूटा पड़े तो भय लगता है, इसलिए भक्ति को निर्भय बताया। भक्ति ना कभी भय, तुम भक्ति कर रहे हो और तुम्हारे मन में भय है तो समझो तुम भक्ति नहीं कर रहे। भक्ति निर्भय हो सकती क्योंकि उसमें भगवान का शाश्वत संग होता है। और प्रभु का जब संग हो तब भय। बहुत पुरानी वार्ता है कि मौलवी और उसका एक उसका शिष्य दोनों जंगल में जा रहे थे, मुस्लिम फकीर की कार। तो एक ऐसा प्रदेश आया जंगल का कि जहां खूंखार शेर भाग रहे थे, गर्जना सुनाई देती थी। और नमाज का समय हो गया तो मौलवी साहब ने, गुरुदेव ने फरमाया कि हम यहां नमाज कर। शिष्य ने कहा महाराज अंतिम नमाज हो जाएगी क्योंकि शेर पाक खुखार घूम रहे और यहां नमाज। बोले नहीं, समय पर नमाज तो अदा करनी ही चाहिए। शिष्य घबरा रहा, गुरुदेव मक्कम थे। शिष्य चढ़ गया वृक्ष पर, कहा कि आप नमाज कर ले, बाकी मैं तो इस खतरे में जाना नहीं चाहता। तो गुरुदेव नमाज करने लगे, इतने में शेर बाघ सब एकदम आए, लेकिन बंदगी की असर कि किसी ने हमला नहीं किया, मानो घूम घूम कर परिक्रमा करके चले गए। बंदगी की असर, नमाज पूरी हो गई। मैंने सुना है वो शिष्य नीचे उतरा, बाद में दोनों चल पड़े आगे की यात्रा। तो करीब 5 मिनट चले होंगे तो 2-3 शेर की और आवाज सुनाई दी और हम एकदम हमला कर रहे थे, भयंकर शेर दौड़ते आए। तो गुरु एकदम घबरा गए और गुरु चढ़ गए झाड़ पर। चेला बड़ा हैरान, उसने कहा कि कमाल है, जब आप नमाज अदा कर रहे थे चारों ओर ऐसे शेर और बाघ थे, आप बिल्कुल बेफिक्र थे, और अब 2 शेर ही आ रहे हैं तो आप इतने घबरा गए। बंदगी के समय तो आप घबराए नहीं और अभी घबराए, बात क्या है? बोले जब मैं बंदगी कर रहा था तब मेरे साथ खुदा थे, अब मेरे साथ तुम हो। फर्क इतना है, जब भजन चल रहा था तो प्रभु का सामिप्य था, भक्ति थी, भगवान से जरा भी मैं अविभक्त नहीं था, विलग नहीं था, सतत जुड़ा हुआ। ऐशान सतत युक्ताना भजताम प्रीति पूर्वकम, सतत जो जुड़ा रहता है वही तो भक्त, और जो जुड़ा रहता है उसको भय कैसा? भक्ति में भय हो ही नहीं सकता। भय आई तो, भय आया तो भक्ति कैसे? तो यदि हमारी भक्ति में भय रहे तो समझना कहीं तकलीफ है, कहीं गड़बड़ है। गोस्वामी जी तो परम संत है, उसको दुर्जनों का भय क्या, उसको किसी को राजी करने का सवाल ही नहीं। कवितावली पढ़िए ना, कवितावली में क्या लिखते हैं वो, कि मुझे गंगा जल पीना है और राम का नाम लेना है, मेरा कौन बिगाड़ सकता है। हाँ, खुद कहते हैं। और दृष्टांत दे देते हैं पुराण का कि गरुड़ ने भूल से ब्राह्मण को अपने में निकाल ली, वो ग्रस लेता है, तो बाद में ब्राह्मण की उल्टी करनी पड़ी, गरुड़ को ही पछताना पड़ा। यदि कोई मुझे कुछ करेगा तो उसको ही पछताना। कलयुग बेचारा मुझे क्या कर सकता है, क्योंकि मैं तो भागीरथी जलपान, मैं तो भागीरथी का जलपान करता हूं और राम का नाम लेता, मुझे मेरा कौन बिगाड़ सकता है। इंद्र बापुरो कौन हा? तो मेरे कहने का मतलब है, उसको किसी का भय क्यों हो। मैंने कहा कि भाई मेरे ख्याल से तो गोस्वामी जी संपूर्ण इसको दुर्जनों को राजी करने के लिए बंधन नहीं कर रहे, हमको शिक्षा दीक्षा प्रदान करने के। सबको गोस्वामी जी ने प्रणाम किया, क्योंकि गोस्वामी जी चाहते हैं कि दुर्जन में जो गंदगी दिखाई देती है, गाय के बछड़े पर जो चिकनापन है वो गंदगी है, वो भी गाय के उदर से ही निकली हुई है। चढ़ चेतन गुण दोषमय, ये परमात्मा की रचना, ये विराट का भगवान ने जो सर्जन किया है वो गुण दोषमय है, जड़ चेतनमय है, इसलिए सभी मेरे भगवान की कृति है, इसलिए सबको प्रणाम किया। और अंत में उसकी प्रसिद्ध चौपाई, उसका हम सब गान कर लेंगे। सी राम माय सब जग आइए, सी राम माय सब जग जाय। आप इतनी संख्या में उपस्थित है तो सब गाय, कृपया हमारी प्रार्थना है
क्योंकि ये नौ दिन ही गाने का है, बाद में तो रोने का ही। ये गाने के अवसर गोस्वामी जी ने हमको दिए, तो गा लो। तरापे को लेकर इस महासिंधु को कैसे मैं पार हो सकूं? ऐसा ही महान कुल रघुवंश था तो सूर्य वंश, लेकिन रघु एक ऐसा महापुरुष हुआ कि नाम बदल गया, सूर्य कुल का रघुवंश हो गया। और उसके बाद राम एक ऐसी पूर्ण व्यक्ति, परमात्मा स्वयं पधारे पूर्ण रूपे, रघु का राज्य भी पीछे रह गया और विश्व में राम राज्य शब्द आ गया। तो ऐसे महान उदात कुल की वंदना गोस्वामी जी का। रघुकुल बहुत महान है, बहुत अद्भुत है, कौन वर्णन करे रघुवंश का। एक से एक बढ़िया सम्राट महापुरुष हुए गोस्वामी जी। इस रघुकुल की वंदना, राम कथा के महान पात्रों की वंदना आप करने जा रहे हैं, लेकिन क्या तुलसीदास जी ने दृष्टि प्रदान की विश्व को कि कोई कुल कितना ही महान क्यों न हो और इस कुल में कितना ही महान व्यक्ति क्यों न निर्माण हुए हो, लाख लाख नमस्कार, लेकिन सबसे महान है जन्मभूमि, राष्ट्र सबसे महान। ये गोस्वामी जी की क्रांति है इतने साल पहले। पहले रघुवंश के कोई सम्राट की, राजाओं की वंदना नहीं की गोस्वामी जी ने, सबसे पहले राष्ट्र वंदना की। ये था राष्ट्रभाव गोस्वामी जी के शब्द में। जन्मभूमि और जहां भगवान प्रकट हुए, इस भूमि की वंदना करते हुए, इस नदी की वंदना करते हुए, बाद में व्यक्ति की वंदना की है, पहले वो स्थान महान है, वो भूमि महान है। इसलिए गोस्वामी जी के शब्दों में इस वंदना में प्रवेश कर। बंदव अवधपुरी अति पावन, बंदव अवधपुरी अति पावन, बंदव अवधपुरी अति पावन, बंदव अवधपुरी Yeah.
अयोध्या जी की वंदना की, इस धन्य भूमि को बार बार प्रणाम। और मेरे भाई बहन अवध अवध, संतों ने व्याख्या की है अवध का एक अर्थ होता है जहां किसी का वध नहीं होता। मन वचन कर्म से किसी का दिल दुभाया नहीं जाता, उसी क्षेत्र का नाम है, वही राष्ट्र का, वही वही भूमि का नाम है अवध। एक अर्थ ऐसा भी निकाला गया जो अवधि है, उसके आगे कुछ नहीं है, सीमा है अवध। हमारे राम उपासक संत लोग कहते हैं ये पूरा जो ब्रह्मांड है, भूमंडल लो, वो देह है, श्री अयोध्या जी मस्तिष्क है, और जनकपुरी तिलक है, श्री मिथिला जी तिलक है। भगवान राम को अवध के प्रति ममत है। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा सबको अपने राष्ट्र के प्रति ममता होनी चाहिए, ये हमारा राष्ट्र। गोदी में खेलती है जिसकी हजारों नदियां, हिंदी है हम वतन के ये हिंदुस्तान। ये भाव उठना चाहिए, राम जी अयोध्या की प्रजा से ममता कर रहे हैं, इसलिए तो सीता की कड़ी निंदा करने वालों को भी भगवान ने विशोक करके अपने साकेत में बसा दिया, क्योंकि वो अयोध्या का था। ये है धाम निष्ठा, अवध अवध है, बाबाओं की नगरी है अयोध्या, बाबा बंदर और विद्यार्थी तीनों की नगरी मानी जाती है श्री अयोध्या। अवध का वर्णन कौन, एक ही प्रमाण पर्याप्त कि जिस भूमि पर साक्षात ब्रह्म को अवतार लेने की इच्छा हुई, इस भूमि को लाख लाख नमस्कार। बंदव पूरी भगवान श्री राम भद्र, अनुज लखन और श्री जानकी जी के संग पुष्पक आरूढ़ थे और अयोध्या पर चक्कर लगाई, पुष्पक विमान ने जब रावण को मारकर लौटते हैं तो भगवान की आंखों में अश्रु आ गए। सब बंदर भालू सो मित्र थे साथ में, वो देख रहे हैं ठाकुर की ओर, भगवान का सर झुका हुआ है और नेत्रों में जल देखकर हनुमंत आदि सब मित्रों ने पूछा, भगवान ये आप क्या कर रहे हैं? बोले ये मेरी जन्मभूमि, मेरी अयोध्या है, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, मम धाम दापुरी सुखासी, मम धाम दापुरी सुखासी, मम धाम दापुरी सुखासी, मम। इतना ही नहीं, भगवान ने ऐसा कहा कि मैं अवध को प्रणाम करा, इतने समय के बाद थोड़ा विमान आगे बढ़ गया तो भगवान ने पुनः उत्तर दिशा की ओर अपने आप को मोड़ दिया, और उत्तर दिशा की ओर भगवान बार बार प्रणाम करने लगे तो पुनः प्रश्न पूछा मित्र वृंद ने कि भगवान आप उत्तर, बोले अयोध्या के उत्तर में सरजू बह रहे, सरजू को प्रणाम। ये देश है जिस देश ने पहाड़ों से प्रेम किया, ये देश है जिस देश ने नदियों से प्रेम किया, ये देश है जिसने वृक्षों से प्रेम किया, ये देश है जिसने समुद्र को देव मानकर पूजा, अद्भुत है। अद्भुत है।
सिखाया है राष्ट्र निष्ठा। वान भाई बहनों तो खास दिल में एक अहंकार नहीं गर्व होना चाहिए, एक गौरव होना चाहिए भारतीयों के हृदय में कि आखिर हम भारतवर्ष के गीता और गायत्री की संतान। कई लोग विदेश में जाते हैं भारत से तो बहुत प्रभावित हो जाते हैं विदेश, अच्छी बात है, सराहने जैसी कोई भी बात हो भारतीयों ने वहां से सीखा है। हम गुणग्राही हैं, हम कौवे की वृत्ति नहीं रखते, हम हंस वृत्ति के संतान। संत हंस गुण गही पाए परिहरि बारी विकार, ये वृत्ति में पले हैं भारतीय लोग। तो विदेश में जो सीखने जैसी बात होती है वो जरूर सीखे, लेकिन कुछ साल पहले की बात है, मेरे पास एक गृहस्थ आए, वो नए नए अमेरिका गए और कहने लगे मेरे पास आकर के, क्या बताएं बापू अमेरिका अमेरिका है। हमने कहा हाँ भगवत कृपा से हम भी एक बार हुआ आए हैं, अच्छा देश है, बड़ा विकसित देश है, ठीक है, लेकिन उतने इतनी सराहना यहाँ क्या है देश में, ये बहुत उसने बहुत कहा। तब तक तो मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन उसके उनके शब्द में आपके सामने रख रहा हूं। इस महोदय ने कहा कि भगवान मुझे दूसरा जन्म दे तो मैं अमेरिका में जन्म। मैंने कहा भगवान तेरी उम्मीद जल्दी पूरी करे, हिंदुस्तान का इंसान ये सोचना भी नहीं चाहे, फटे कपड़े पहनेंगे, भूखे रहेंगे, लेकिन क्या ये भूमि है देखिए अद्भुत है, जहां हर कन्या में भारतीयों ने राधा का रूप देखा और युवक में कृष्ण का रूप देखा। पूरा उत्तर भारत अवतार देता है और पूरा दक्षिण भारत आचार्य देता है, क्या देश है कल्पना तो कीजिए। युवा ना में ये जागृति दृढ़ होनी चाहिए, ये निष्ठा निर्माण हो। कहलाने वाले बड़े लोग तो कब देश को नीलाम कर दे क्या पता, जो अपने आप को बड़े कहलाते हैं। राम जन्मभूमि विवाद में पड़ी है।
पर अंगुली उठाई जाए। शक्तिशाली लोग, संपन्न लोग, बुद्धिमान लोग, उसका दायित्व है। मैं तो सबको प्रार्थना करता रहता हूं व्यास गादी पर से, सबको सहकार दे देना चाहिए कि हाँ ठीक है, ये जन्मभूमि भारतीयों की श्रद्धा का केंद्र है, हम तकरार नहीं करेंगे, ऐसा कहना चाहिए। और कई ऐसे ऐसे ऐसी घटनाएं राष्ट्र का गौरव, मैं आपको पूछूं कि राष्ट्र में कितने लोगों का जी जलता है राष्ट्र के लिए, अपने हित के लिए न जाने कैसे कैसे नियम बनाए जाते हैं, कैसे कैसे निर्णय बनाए जाते हैं। इन सब बातों से ऊपर उठना पड़ेगा। राजगादी से व्यास गादी की बात माननी पड़ेगी। क्योंकि व्यास गादी निस्वार्थ है, व्यास गादी तपस्वियों का आसन है, व्यास गादी अहेतु कृपा का साक्षात विग्रह है, उसको मानना पड़ेगा। युवान भाई बहन, तुम इस मुल्क की संतान हो जहां मीरा नरसिंह सूर तुलसी ने राष्ट्र को अपने आंसुओं के सजाया। अफ्रीका में जाम्बिया गए तो हमको बलात् ले गए कि बहुत सुंदर विक्टोरिया फॉल्स हमको देखने के लिए ले गए। तो हम गए तो हमने देखा, दुनिया का आश्चर्य माना जाता है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी गिर रहा था धीमे धीमे। हमने कहा इसके लिए हमको आप यहाँ ले आए, हमारे हिमालय में आकर एक बार देखो तो सही। मेरे भाई बहन, गोस्वामी जी ने प्रथम श्री अयोध्या की वंदना करके राष्ट्र भाव को जागृत किया है, राष्ट्र निष्ठा को, धाम निष्ठा को उजागर। आज भी धाम निष्ठ कई भक्त होते अयोध्या छोड़ते ही, वृंदावन से मथुरा नहीं जाते, कितना अंतर है वृंदावन और मथुरा में, नहीं जाते वृंदावन से मथुरा, वृंदावन से मथुरा जाए और कहीं प्राण छूट जाए तो। धाम निष्ठा है भारतीयों की, नाम निष्ठा है भारतीय, इसलिए वृंदावन वासी तो कहते हैं भले ही कथा में आता हो लेकिन भगवान कृष्ण वृंदावन छोड़कर एक कदम भी यहां से गए नहीं, एक कदम भी यहां से नहीं हटे। इसलिए आप आज भी ब्रज भूमि में पाओगे, हम वृंदावन में कथा कह रहे थे, बड़ा अच्छा लगा हमको, एक महात्मा बता रहे थे कि ब्रज भूमि में अभी भी ऐसे परिवार रहते हैं देहात में कि जो गाय का मक्खन निकालने के बाद, दूध से मथने के बाद उस गोरस को पेटी में नहीं रखते, पात्र में रखकर उस पर कुछ ढांकन भी नहीं लगाते, वस्त्र भी नहीं रखते और कमरे में भी नहीं रखते, आंगन में खुला रख देते। आज भी किसी ने पूछा कि ऐसा क्यों करते हैं आप, तो ब्रजवासी लोग जवाब देते हैं कि कृष्ण का क्या भरोसा कब आए, अचानक आ जाए और उसको मक्खन ढूंढना पड़े, इसलिए हम नित्य मक्खन खुला रखते हैं क्योंकि हमारा गोविंद यहां से गया ही नहीं। मेरे भाई बहन, धाम निष्ठा है, राष्ट्र निष्ठा है, इसलिए भगवान
अयोध्या को बहुत आदर देते। और ये निष्ठा संत और साधु चरित लोगों में ही आती, सबको नहीं कहता हूं, लेकिन सत्ता में बहुत कम निष्ठा दिखाई देती। संत के अभिप्राय अद्भुत होते हैं। मैं न भूलता हूं तो नेहरू जी ने शायद कहा था, मैं न भूलता हूं तो अब भाव को पकड़िए, शायद नाम चुक हो जाए तो, कि अकबर के जमाने में तुलसी हुई। विनोबा जी नहीं सह सके क्योंकि संत थे, साधु थे, सुधार करवा दिया। ये भूल है, आप राष्ट्र के एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, आपको ऐसा नहीं कहना चाहिए कि अकबर के जमाने में तुलसी हुई है। आपको कहना हो तो ऐसे कहना चाहिए कि तुलसी के जमाने में अकबर हुआ था। संत के जमाने में कई शासक सम्राट आ जाते हैं, संत संत होते हैं। और विनोबा अपनी पदयात्रा में बताते कि मुझे तब बड़ा आश्चर्य से मैं भर गया कि दिल्ली से करीबन 25-30 किलोमीटर ही बताया, इतने दूर एक देहात में मैंने जाकर पूछा कि भारतवर्ष का प्रधानमंत्री कौन है, तो किसान जवाब नहीं दे पाया, दिल्ली से 30 किलोमीटर दूर। बोले बाबा हमको बताना, अभी अभी चुनाव हुआ, ये हुआ कुछ, हमको बता नहीं पा। बहुत हैरान हो गए विनोबा जी, लेकिन रहा नहीं गया साधु स्वभाव, तो पूछा कि चलो भारत के प्रधानमंत्री के बारे में आप कुछ नहीं जानते, लेकिन रामचरितमानस गोस्वामी जी ने लिखा है, तुलसीदास जी को तुम जानते हो, तो इस किसान ने तुरंत चौपाई बोली, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी, अति प्रिय मोही यहाँ के वासी। विनोबा के नयन भर गए कि यहाँ सत्ता को नहीं पूजी गई, यहाँ संत को पूजे गए। यहाँ मुकुट नहीं पूजे गए, लंगोट पूजे गए। वीरताएं की पूजा की गई है, त्याग को, विराग को पूजा है इस देश में। सम्राटों की तस्वीरें फूट गई हैं और समाधि पर आज भी धूप हो रहा है, आरतियां हो रही हैं। बहुत महत्व की बात यहां रखी, अयोध्या की वंदना करके सरजू जी को प्रणाम किया, नर नारियों को वंदना की और सीता की निंदा करने वालों को भी प्रणाम किया। और उपनिषद का क्या अद्भुत निर्वाह करते हैं, मातृदेवो भव पितृदेवो भव, पहले मां को वंदना की जाती है, इसलिए बंधव कौशल्या कीरति जासु सकल जगमासी, कीरति जासु सकल जगमासी, प्रगटे जहाँ रघुपति ससिचारु, प्रगटे सुखद खल कमल तुषारू, कौशल्या को प्रणाम किया। और उपमा जी की वो पूर्व दिशा है जिस पूर्व दिशा में रामचंद्र का उदय हुआ। कौशल्या केवल महिला नहीं है,
भारतीय संस्कृति की महिमा है। वो केवल व्यक्ति नहीं है, एक पूर्व दिशा है जहां रामचंद्र का उदय हुआ है। वो पाश्चात्य संस्कृति की प्रतिनिधि नहीं है, वो पूर्व की संस्कृति का प्रतिनिधित्व कर रही है। इसलिए बंदाओं कौशल्यात इसी प्राची। और महाराज दशरथ जी को कितनी रानियां थी वो चर्चा का मुद्दा है, और गोस्वामी जी कोई चर्चा में जाना नहीं चाहते, इसलिए लिख दिया दशरथ राम सहित सब रानी। सब रानी जितना अंक लगाना लगा दे, सब रानियां सुकृत और मंगल की मूर्ति है। तो ऐसे कथा में तो तीन रानियों का उल्लेख है, लेकिन वंदना में सब और रामायणों से मतभेद न हो जाए, इसलिए दशरथ राव सहित सब रानी कह दिए। और अंत में जिनही बिरजी बड़ भय वो विधाता, जिनही बिरजी बड़ भय वो विधाता, महिमा अवधि राम की तुम्हारा, महिमा अवधि राम पितुमाता, महिमा अवधि राम पितुमाता, बंदव दशरथ जी के साथ सभी रानियों को प्रणाम। और राम के माता पिता जिसको बनाकर विधाता को गौरव मिला, बढ़ाई मिली विधाता को, ऐसी राम माता पिता की महिमा की वंदना की। और बाद में पितृदेव भव, एकदम व्यक्तिगत दशरथ जी की वंदना करते हुए, बंदव अवध भुवाल सत्य प्रेम जिहि राम पर, बिछुरत दीन दयाल प्रिय तनु तृण इव परिहरेउ, राम के विरह में तिनके की तरह जिसने प्राण त्याग किया, ऐसे राम के सच्चे प्रेमी अवध सम्राट महाराज दशरथ जी को गोस्वामी जी ने प्रणाम किया। तो रघुकुल की वंदना यहां तक ली, और बीच में वंदना आई जनकपुरी की। महाराज जनक और उनके परिजनों के साथ, उनके परिवार के साथ सबकी वंदना गोस्वामी जी करते हैं, लेकिन ये वंदना हम ठीक 3 बजे शुरू करेंगे। भाव और श्रद्धा के साथ बोलिए, रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम।